श्री सरस्वत्यै नमः। ओम अपवित्राः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गदुपिबायः स्मरेत पुण्डरीकाक्ष सभाया व्यन्तिराजुतिः पुण्डरीकाक्ष पुनादः पुण्डरीकाक्ष पुनादः पुनादः पुण्डरीकाक्ष। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, हस्त प्रक्षालनम हृदयेशाय नमः, स्वस्ति तिलकम स्वस्थाय स्वस्ति नैन्द्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भूर्भुवस्वः स्वस्तिकाय नमः, हस्ते गंधाक्षदुष्पाणि सम ओम कृष्णाम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणदा क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वोपचारार्थ ध्यानार्थ गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोद्भवत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सर्वोपचारार्थ ध्यानार्थ गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत् पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वोपचारार्थ ध्यानार्थ गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे प्रथासुतं श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थ ध्यानार्थ गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुवाव पुत्रेति तन्मयतयादर्भोभुवनेतस्तं सर्वभूतहृदयमुनिमानदोऽस्मि। श्री सुखदेवाय नमः। सर्वोपचारार्थ ध्यानार्थ गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि। ओम त्वं गंधर्वा खन स्वामिन्द्र स्वा बृहस्पति त्वामोखदी सोमो राजा विद्वान्यक्ष मातामुच्यता। ओम भूर्भुवस्वः सद्गुरुदेवताभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे तस्य श्रीगन्धं समर्पयामि, विलेपयामि, तत्रादौ अलङ्कृतान् अक्षतानं समर्पयामि। अलङ्कृतान् अक्षतानान्ते पुष्पमालिकायां माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यत्यादीनि वय प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम पुष्पमालिकायां समर्पयामि। पुष्पमालिकायान्ते जाओ खदी ही प्रतिमोदित वं भगवते ही प्रसुपरि ही स्वाय वसार्दिर्दह पाश्निवाहं भूर्भुवस्वः पुष्पमालिकायां समर्पयामि। पुष्पमालिकायान्ते एक माला ओम भूर्भुवस्वः पुष्पमालिकायां निवेदयामि। तस्य श्री नैवेद्यं निवेदयामि। नाभ्यासीदन्तरिक्षगुणशिष्णो देवः समर्थतापदयां भूमिर्ति सहस्रोद्रा तथा लोकान् कल्पयन् ओम नाभ्यासीदन्तरिक्षगुणशिष्णो देवः समर्थतापदयां भूमिर्ति सहस्रोद्रा तथा लोकान् कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते ओम तस्य श्री नैवेद्यान्ते त्रिपदक्षिणायां ओम हिरण्यगर्भः समवृतदाग्रे भूतसेयादः बद्रीकासीद सदादाधर पृथ्वीं द्यामुदेमाकस्मै देवाय अभिकापिधिम् भूर्भुवस्वः तस्य श्री त्रिपदक्षिणायां समर्पयामि। द्रवदक्षिणायान्ते तस्य श्री द्रवदक्षिणायान्ते ओम नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। पुष्पमालिकायां द्रव्यदक्षिणायां श्रीमद् भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय श्री व्यास स्वरूपाय ओम हिरण्यगर्भः समवर्तदाग्रे भूतस्यादपत्रेकाशीतो सदादाधरवर्त विद्यामुदेमाकस्मै देवाय हविकाविधिम् द्रव्यदक्षिणायां समर्पयामि। आरार्तिक्यं वहां जाओ आरती के लिए। सभी भक्तगण अपने यथास्थान खड़े हो जाएं। श्रीमद् भगवान भागवत महापुराण की दिव्य आरती का दर्शन। पैरों से जूते चप्पल निकाल करके खड़े हों अगर किसी ने पहन भी रखे हों तो। ओम चंद्रमा मनसो जाजगजो सूर्यो जायता श्रोत्रद्वाय शुभ्राणि चमकादग्निर्जायतः
भूर्भुवः स्वः भूदीपेभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे ध्यानार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। अब यहां खड़े ओम वेदकुं हवि प्रजननम मे अस्तु तथवीरकुं सर्वगढ़कुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजा सनि पदुत निरोगसन्य वयसनि अग्नि प्रजा बहुलांबे करोत वन्नम पयोरे दो असमा सुदत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। हे अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हे अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से तारती, पवन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति की पवन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हे सुख करनी दुख हरणी, हे सुख करनी दुख हरणी, हे सुख करनी दुख हरणी, सुख करनी है दुख हरणी। श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, ओ श्री राम यही मेरे कृष्ण यही, राम यही मेरे कृष्ण यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुज गे सदा वसतम हृदयान बिंदे, सदा भवानी हृदयान बिंदे। हम भवानी सहित भुनमा तुम्हें भमाता च पिता तुम्हें भवन तो चसता तुम्हें तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें सर्व भवते बचरे मम देव देव। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम रामा हरे हरे कृष्णा कृष्णा।
हरे हरे राम राम हरे हरे। ओम जय श्री गुरुदेवा, स्वामी जय श्री गुरुदेवा, तुम्हारी शरण में आकर गुरु जी की शरण में आकर सदा करूं सेवा। ओम जय श्री गुरुदेवा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव तुम सतगुरु मेरे, बाबा तुम ठाकुर मेरे, तुम्हारी शरण में आकर गुरु जी की शरण में आकर भाग जगे मेरे। ओम जय श्री गुरुदेवा। दीन दुखिन के सफल तुम सबके दाता, स्वामी तुम सबके दाता, तुम्हारी दया का स्वामी, गुरु जी की कृपा का स्वामी, हार नहीं पाता। ओम जय श्री गुरुदेवा। तुम दाशन के ठाकुर तुम रक्षक दाता, स्वामी तुम रक्षक दाता, तुम्हारे रूप अनेको, गुरु जी के रूप अनेको, कहा नहीं जाता। ओम जय श्री गुरुदेवा। तुम्हारा स्मरण करके शक्ति मिले दाता, स्वामी भक्ति मिले दाता, तुम्हारे दर्शन करके गुरु जी के दर्शन करके पाप उतर जाता। ओम जय श्री गुरुदेवा। तुम नारायण स्वामी तुम ही इष्ट देवा, स्वामी तुम ही हो मेरे देवा, न्यारी गुरु महिमाते प्यारी, तुम देवन देवा। ओम जय श्री गुरुदेवा। सतगुरुदेव की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहे दासन को दासा, जपे गुरु जी को दासा, शांति पावे। ओम जय श्री गुरुदेवा। जय श्री गुरुदेवा, स्वामी जय श्री गुरुदेवा, तुम्हारी शरण में आकर गुरु जी की शरण में आकर सदा करूं सेवा। ओम जय श्री गुरुदेवा। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरु महाराज की जय। गुरु माता की जय। ओम जतो यतः समीह सहित दोनों भयम् गुरु शन्नः गुरु प्रजाभ्यो विन्नः वाजुभियाः सुतान्तरवदो मंत्र पुष्पांजलि द्वितीय नजमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नातेह नाकं महिमानः सजन्तैत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। वृषभानुनन्दनाय च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। सेवन्तिकाबकुलचम्पकपाटलाब्जे पूर्णदजाग्रकरवीलर्षालपुष्पै विल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरी भी स्वाम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदा। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहण परमेश्वरा। सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुभक्ति सुधार, पुष्पांजलि अर्पण करें देव करो स्वीकार। पूर्व विश्वास सांगा सपरिवार सशक्तिका मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। मंत्र पुष्पांजलि सभी भक्तगण अपने यथा स्थान विराजमान हो जाएं, सभी अपना अपना स्थान प्राप्त करें। या छोड़ दो, आप जाओ।
सभी नगरवासियों को पुनः सूचित किया जाता है कि आप सभी शीघ्रता शीघ्र अपने गृह कार्य को पूर्णता से विराम करते हुए कथा पंडाल में आकर के यथा स्थान प्राप्त करें और भगवान के मंगलमय कथा का रस आस्वादन करें। आज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के पंचम दिवस में आप सभी का स्वागत है और आप सभी का स्वागत करने के लिए स्वयं गोविंद की झांकी भागवत स्वरूप यहां विराजमान हैं, तो आप सभी आकर के यथा स्थान प्राप्त करें और भगवान के मंगलमय कथा का रस आस्वादन करें। ऐसी दिव्य कथा जो आप सभी को यहां प्राप्त हो रही है, यह कथा जो कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, यह आपको सुलभता से प्राप्त हो रही है और यह सब गौ माता की ही कृपा से है। सब गौ माता की ही पावन सन्निधि में श्री राधा माधव गौशाला के तत्वाधान में आप यह श्रीमद् भागवत महापुराण का रसास्वादन कर रहे हैं। YouTube, Facebook के माध्यम से, साधना गोल्ड चैनल के माध्यम से आप सभी यह श्रीमद् भागवत महापुराण का सीधा रसास्वादन कर रहे हैं और आप सभी को मधुर वाणी में श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य अमृत वर्षा में अवगाहन करा रहे परम पूज्य श्री राहुल कृष्ण जी महाराज, जो कि श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा से पधारे हैं। जैसे कि आप सभी को अवगत है कि महाराज श्री की वृंदावन की पावन धरा में रामनगर कॉलोनी के समक्ष परिक्रमा मार्ग में गोरे दाऊ जी के निकटतम, नीम करोरी बाबा आश्रम के निकटतम श्री राधा माधव गौशाला का स्थान है, जो कि बहुत ही सुंदर गौशाला है और वहां अनन्य देशी गौ माता का दर्शन होता है और आज की व्यवस्था जो भी सुचारू रूप से चल रही है वह सब गोविंद की कृपा से, गौ माता की ही कृपा से चल रही है। उसका प्रतिनिधि के रूप में जो संचालन, जो पालन कर रहे हैं, वैसे तो पालन करने वाली गौ माता ही है, सभी का पालन करने वाले श्री बांके बिहारी हैं, लेकिन किसी को एक प्रतिनिधि का रूप दिया जाता है तो वह प्रतिनिधि का पूरा दायित्व निभा रहे हैं महाराज श्री। इनकी बहुत ही सुंदर गौशाला है, तो गौ माता की कृपा है और आप जैसे भक्तों के सहयोग से ही वह गौशाला सुचारू रूप से चल रही है, तो आप ज्यादा से ज्यादा गौ माता की सेवा में दान देकर के सहभागी बने, क्योंकि दान धर्मान राज धर्मान, यह जो दान है यह एक धर्म का वृक्ष है, तो दान रूपी जल से इस धर्म रूपी वृक्ष को सींचना यह हमारे हाथ में होता है। और दान देने से कभी दान घटता नहीं है, दान देने से चौगुना दान बढ़ता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ करके गौ माता की सेवा में चारे हेतु, राशन हेतु और अब सर्दी का जो समय है उसके हेतु जो वस्त्र इत्यादि गौ माता के लिए कंबल, गुड़ ऐसी सुविधा जो की जाती है उसके हेतु आप जो भी दान कर सके वह दान करें, यथाशक्ति यथाभाव आप दान कर सकते हैं। कार्यालय लगा हुआ है, वहां आचार्य जी बैठेंगे, उनको आप अपनी धनराशि नोट कराएं, वहां से आप रसीद भी प्राप्त कर सकते हैं और उस रसीद पर जहां श्री महाराज श्री की गौशाला है उसका पूरा पता है, तो आप जब भी वृंदावन आए तो एक बार 5 मिनट के लिए उस गौशाला में अवश्य पदार्पण करें, आपको वहां बहुत ही अच्छा माहौल मिलेगा, गौ माता की सेवा मिलेगी। विशेष रूप से सभी से यही कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ करके अपना अपने सनातन धर्म को और अपनी सनातन धर्म की जो माता है, जो इस भारत वर्ष की माँ है, जगत जननी गौ माता, उसकी सेवा में ज्यादा से ज्यादा जुड़ें। किसी भी भाव से, किसी भी ध्येय से आप अपनी मनोकामना गौ माता के चरण शरण में लेकर के जाए, गौ माता शीघ्रता से पूर्ण करती है, क्योंकि माँ ही एक वो होती है जो बच्चे की मनसा को समझ जाती है, तो वह माँ है और हमारी सबकी मनसा को समझ जाती है। आप अगर एक गौ माता के लिए चारा खिला रहे हैं तो आप 33 कोटि देवी देवताओं को भोजन करा रहे हैं, आप एक गौ माता का तिलक कर रहे हैं तो आप 33 कोटि देवी देवताओं का तिलक कर रहे हैं, आप एक गौ माता की सेवा कर रहे हैं तो ये समझिए 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा कर रहे हैं। गौ माता के शरीर में आपको बताया गौमूत्र में गंगा जी का वास है और गौ गोबर में लक्ष्मी जी का वास है, तो ऐसी गौ माता जिसके प्रत्येक अंग में, प्रत्येक तत्व में बड़ी ही सरलता, बड़ी ही शक्ति,
बड़ा ही सब कुछ कल्याणकारी समाया हुआ है, तो आप ऐसे विमुख ना होइए, आप ज्यादा से ज्यादा गौ माता से जुड़िए, गौ माता की सेवा करिए, और जो भी जैसे भी आप जैसी श्रद्धा हो, जैसा भी भाव हो, उसके अनुसार आप गौ माता की सेवा यहाँ नोट करा सकते हैं, वहां से आप रसीद भी प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ और महाराज श्री से अनुग्रह करता हूँ कि भगवान की अमृतमय कथा का रसास्वादन हम सभी को कराएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार गौ माता का जयकारा अच्छे से हो जाए, पता चले कि हाँ गौ भक्त भी हो, क्योंकि 5-6 दिन से गौ माता की सेवा जय ही बोल रही है लेकिन आवाज ना आवे ऊपर को। बोलिए जगत जननी गौ माता की, जगत जननी गौ माता की, जगत जननी गौ माता की जय जय श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय, गौ माता की जय जय। या विद्या शिव केशवाद जननी, या वै जगन्मोहिनी, या पंच प्रणवद्वरे पनलनी, या चित्कला मौहिनी, या ब्रह्मादि पिपील कांत तनसो प्रोक्त्या जगत् साक्षिणी, सापां यत् परदेवता भगवती श्रीराजरा जेश्वरी, वक्त तुंड महाकाय सूर्य कोटि शम प्रभा, निर्वगनम कुरमे देवा, सर्वकालेषु सर्वदा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्वदं दर्शनं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अञ्जनी गर्भसम्भूत वायुपुत्र महाबला, कुमार ब्रह्मचारिष्य हनुमन्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरये, जय 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 राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे तुझको दास, जन्म जन्म मोह दीजियो ब्रज वृंदावन वास। श्री मात मेरी राधिका, पिता मोरे घनश्याम, इन दोनों के चरण में मेरा बारंबार प्रणाम। बोली बाकी बिहारी लाल की, बोली राधा रानी की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, गौ माता की जय, गैया मैया की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, सुखदेव भगवान की जय, परीक्षित महाराज की जय, गौ हत्या बंद हो, धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, जय 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 श्री राधे।
बोले बाकी बिहारी लाल की। पंचम दिवस के भागवत में प्रवेश करें। कल हम सब लोगों ने लाला के जन्मोत्सव की कथा का दर्शन किया, आज भगवान के ब्रज की कथाओं का दर्शन हम सब लोग करेंगे। क्योंकि चिस्सार सिंधु भगवत कल्पतरु दधितर पीतंबर धारी वाल्की कृष्ण की बांग में मूर्ति भागवत महापुराण। आज भगवान का पंचम दिवस है, आज मेरे गोविंद की बाल लीलाओं का दर्शन करेंगे, आज माखन चोरी का भगवान का दर्शन होगा, ये अद्भुत कथा का भगवान का आज का दर्शन होगा। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। कल भगवान के जन्मोत्सव का दर्शन हुआ, भगवान अपने लिए तो कुछ करते ही नहीं है, हम सबके लिए नाना प्रकार के अवतार लेकर के चले आते हैं। जब जब हो धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, जब जब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सच्चिन पीरा। भगवान जब जब धर्म की हानि होती है, भगवान तब तब अवतार लेकर के चले आते हैं। आज मेरे गोविंद बीसवें अवतार में कृष्ण बन करके आए हैं। जन्मांतरे भवित पुण्यम तदा भागवतम लभेत। मेरा और आपका दोनों का तीनों जन्मों का पुण्य एकत्र हो गया है। जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर, तीनों जन्मों का जब पुण्य एकत्रित होता है, उस जीव को भागवत ज्ञान गंगा में गोता लगाने का अवसर मिलता है। आप सब धन्य भाग हैं, सौभाग्यशाली हैं। इस जगह का बड़ा सौभाग्य है, डाकनी पिशाचनी भूत प्रेत ये सब दूर चले जाते हैं, जहाँ भागवत होती है, भागवत मुक्ति करती है। मरना सीखना है तो भागवत की शरण में आओ, और जीना सीखना है तो रामायण की शरण में जाना होगा, रामायण को पढ़ना पड़ेगा। जिया कैसे जाता है ये राम से सीखो, मरा कैसे जाता है, मुक्ति अगर चाहते हो तो भागवत सुनो। भागवत जीवात्मा का कल्याण करती है सज्जनों। सौ पिंडदान के बाद भी कल्याण नहीं हुआ धुंधकारी का, भागवत में किया। सातवें दिन बांस फटा, विमान आया, गथा इति विमान। ये विमान क्या है? भगवान बोले कथा को सुन के चिंतन करो। अच्छा, कई प्रकार के लोग कथा सुनते हैं। हाँ, चिंतन करो, उसको श्रवण करो, निध्यासन करो, मनन करो, जीवन में धारण करो। एक तो इस प्रकार की कथा होती है, एक होती है पल्लू झाड़ कथा सुनना। आपने कभी सुना है पल्लू झाड़? भगवान की कथा नाना प्रकार के लोग सुनते हैं, श्रोता श्रोता सरोता। तो एक पल्लू झाड़ कथा भी होती है, सुनी जाती है। पल्लू झाड़ बोले कथा सुनी, बढ़िया, और प्रसाद लेके चका चक खाओ, फटाक से पल्लू को झाड़ दिया। बाबू पल्लू झाड़ बोले, बोले यहीं से सुनी, यहीं छोड़ गए। कथा को सुनने के बाद जीवन में बदलाव आ जाए, भागवत को सुनने के बाद तिनका जैसा भी जीवन में अगर बदलाव आने लग जाए तो भगवत कृपा हो गई है। और आप जैसे ही हैं, आप जैसे थे ऐसे ही हैं, आप गोविंद की शरण में आकर के अभिमान में भरे हैं, आप भागवत में आकर के अपने आप को मैं में भरे हैं, आप पे भगवत कृपा नहीं हुई है, आप समझ लेना चाहिए। क्योंकि भगवान की कथा में आने से इस जीवात्मा को, इस मनुष्य को मुक्ति का साधन प्राप्त हो जाता है, मुक्ति का साधन। इसलिए इस भागवत के रस को पीनो, पियो, सुनना नहीं चाहिए, पीना चाहिए। आप कहोगे भागवत सुनी जाती है, पी जाती है, बोले जिस चीज को सुना जाएगा वो इधर से इधर निकल जाएगी, और जिसको पिया जाएगा वो कभी भार नहीं हो सकती,
इसलिए भागवत के रस को पीते रहो, जीवन भर पियो जब तक तुम्हारी जिंदगी रहे। ये रस ऐसा है, ये भागवत की कथा देवताओं को नहीं मिलती, आप तो मनुष्य हैं। मनुष्य का जो शरीर है ये बड़े ढंग से मेरे गोविंद ने सजाया है, वो जादूगर है। मनुष्य कौन है? अच्छा देखिएगा, जैसे खेल दिखाने वाले आते हैं, लोग खेल दिखाते हैं और वो अपने जादूगर जैसे जमूला से कहता है ऐसा ही नाचता है, वो नाचता है कि नहीं? तो कृष्ण है जादूगर और जितने बैठे हैं हम सब, हम हैं जमूड़े। वो कृष्ण जादूगर जैसे मनुष्य रूपी जमूड़े को नचाएगा, इस संसार में उसको ऐसा ही नाचना पड़ेगा, नहीं तो जादूगरी से अलग हो जाएगा। इसलिए हम कौन है? बोले हम सब तो जमूड़े हैं, जादूगर तो वो है, चलाने वाला वो है, खिलाने वाला वो है, कराने वाला वो है। आपको भागवत में आप अपने आप नहीं लाए, और मेरे गोविंद लेकर के आया है, मेरा प्रभु लाया। बोलो राधे राधे। खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, बीच भमर मत छोड़ना। भगवान की पराकाष्ठा है और आप सब लोग बड़े प्रेमी हैं, भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, इसलिए आपसे बड़ा कोई सौभाग्यशाली नहीं हो सकता। भगवान की जो कथा सुनता है भगवान का लाडला हो जाता है, भगवान गोदी में बैठा लेते हैं। ये भागवत कोई पोथी नहीं है, भागवत कोई किताब नहीं है, भागवत कोई दृष्टांत नहीं है, भागवत समय पास करने की चीज नहीं है, भागवत कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, भागवत नाचने गाने का उड़ाने का साधन नहीं है, भागवत तो साक्षात कृष्ण है। भगवान जब आए, जब उत्सव हुआ भगवान का, जब लाला ने जन्म उत्सव हुआ भगवान गोकुल में, नंद बाबा ने 1,00,000 गौओं का दान कर दिया है भगवान की खुशी में। 1,00,000 गौओं का दान किया बाबा ने। गाय कैसी है? बछड़े वाली गाय, 10 किलो दूध वाली गाय, सींगों को सोने में बड़के, पैरों को चांदी में बड़के दान किया। गाय दान करो तो गाय दान की विशेषता है कम से कम 10 किलो दूध वाली गाय हो, बछड़े वाली हो, एक रंग की हो, लाल हो या सफेद हो, देसी गाय हो। स्वर्ण दान हो, सींगों को सोने में मड़के, पैरों को चांदी में मड़के दान किया जाए, क्योंकि बैतरणी नदी से केवल बचाएगी तो वो है गौ, वो गौ बचाएगी, वो माता बचाएगी। गौ माता की सेवा करने से 33 कोटि देवता भोजन कर लेते हैं। जा गाय रहती है मां, वास्तु दोष खत्म हो जाता है। डांस सुनेंगे आप, और आज की कथा बड़ी पावन है, आज की कथा बड़ी मधुर है, मेरे गोविंद की बाल लीलाओं की कथा है, मेरे प्रभु जी की आज 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 ब्रज की कथा है। क्योंकि जो ब्रज में आ जाए, जो ब्रज की कथा श्रवण कर ले, हमारे यहाँ कहे में जो लाला की कथा को श्रवण कर ले, भगवान अति प्रेम करते हैं। आज भगवान की खुशी में 1,00,000 गौओं का दान किया बाबा ने, सब खुशी है, सब आनंद ले रहे, सारा ब्रज मंडल नाच रहा है। अच्छा देखिएगा, भगवान जब आए तो एक दूसरे में माखन को लोना लेके मुंह में लगा रहे हैं, माखन का लड़ुआ लगा करके दर्शन करा रहे हैं। वहां होली गुलाल की नहीं हो रही, वहां गोली दही और दूध की हो रही है, ऐसा उत्सव है ब्रज में। ओहो, भगवान इधर उत्सव मना रहे हैं, और इधर जो वसुदेव बेटी को ले गए थे, कन्या को ले गए थे, कंस को पता लगा बेटी हुई है, पुलिस को नहीं मारूंगा। एक सैनिक बोला, प्रभु कहीं 8वें रूप में ये कन्या ही ना आ गई हो, वो तो सही कहते हो। आया और उठा करके जैसे पत्थर पे मारने को दड़ी हुआ, योग माया बन करके आकाशवाणी में उड़ गई है, कंस मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाला तो ब्रज में आ गया है, ब्रज में पैदा हो गया है।
अच्छा एक बात बोलूं, भगवान न काय को मारते न भगवान काय को बचाते, कर्मणा जायते जंतु। भगवान बोले तू जैसो कर्म करे मैं ऐसो ही फल दे देता हूँ। फल की सरूपता है भगवान, इधर इधर तो इधर आकाशवाणी हो गई, कंस ने आपातकालीन सभा को बुला लिया, एकत्रित कर लिया, भय हो गया हमारे नीचे। भगवान कह रहे हैं मैं ही मारने वाला हूँ, मैं ही बचाने वाला हूँ। आचार्य श्री सुखदेव जी बोले परीक्षित मेरे गोविंद, गोविंद के लिए आपातकालीन सभा को बुलाया। एक क्षणिक बोला प्रभु जी, जितने 6 महीना के भीतर लाला हुए ब्रज में, हम सभी उन्हें मार देंगे, उसमें आपका काल भी मर जाएगा। ध्यान से सुने आप, और हमारे परीक्षित और परीक्षिता ने एकदम शांत होकर सुने, दुनिया में क्या हो रहा है ये कोई, हाँ इनसे कह रहा हूँ लक्ष्मी मैया, क्योंकि ये कथा रोज नहीं मिलेगी, 2 दिन और मिलेगी, नजारे मिले कब मिलेगी ये कोई पता नहीं है, इसलिए क्षणों को इन इन समय को आप यथार्थ में ले जाएं। इस समय बड़ा कीमती है, ये 2-3 घंटे बड़े सौभाग्य से मिले हैं, न जाने कितने बड़े जन्मों के तप हमने किए हैं, तपों के प्रताप से आज पुण्य उदय हो गया है, और हमारे राजेश भैया अपने घर भागवत करा रहे हैं, ये सब सौभाग्य है प्यारे, ये सब सौभाग्य है, ये बड़े तपस्या से मिलती है भागवत, ऐसे वैसे नहीं मिलती है। कितने लोग कह के चले गए, कितने लोग चले गए, मन की बात मन में रह गई, इसलिए इस भागवत में आए गए हो एकदम सावधान होकर के भगवान का चिंतन करो, फिर दुनिया की परवाह छोड़ दो। इसलिए परीक्षित जी 4 घंटे टेंशन फ्री हो जाओ, कौन आ रहा है तुम इसकी चिंता मत करो, ये भगवान की कथा है, उसके बाद तुम संसार के हो जाओ, 3 घंटा भगवान के हो जाओ। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। आप कम बोल रहे हो तो हम पे कथा होती नहीं, और तेज बोलते हो तो चकाचक बोलते हैं, जोर से बोलो, ये भगवान की कथा है। अब एक बोला 6 महीना के भीतर भीतर मार देंगे, कंस बोला आप कैसे जाओगे, वहीं पर पूतना बैठी है, देखिएगा पूतना कौन है, ये पूतना में एक विद्या है 14 अविद्याएं। ये बोली मैं मारे नहीं जाऊंगी, स्त्रियों पर जहर लगा लूंगी, काला काला चेहरा, लंबे लंबे दांत कटवा लूंगी, और चेहरा बोले आजकल तो ब्यूटी पार्लर बड़े चल रहे हैं, गोरी हो जाऊंगी, व्हाइट प्लास्टर करा लूंगी, फेस वॉश लगा लूंगी, क्रीम पाउडर लगा लूंगी, गोरी हो जाऊंगी, और श्रृंगार कर लूंगी 16, और स्त्रियों पर जहर लगा के घूमट लगा के चले जाऊंगी, मुझे कौन पहचान पाएगा, ये पूतना कौन है। परीक्षित बोले प्रभु ये पूतना इतना शुभ काम करने जा रही है भगवान के अंत समय में। बोले हाँ, ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की बेटी थी, रक्तमाला, जब बामन भगवान आए ना, ओहो इतना सुंदर मेरा छोरा होते तो दूध पिलाती, और जब विराट रूप जन गोविंद ने किया, बोली इस दुष्ट को दूध नहीं, इसको तो जहर पिला देती। भगवान बोले सत्य हो, आज वो आकर के पूतना बन गई है, और पूतना कह रही है दूध भी पिलाऊंगी और जहर भी पिलाऊंगी, इस तरह पर जहर लगा लूंगी, मुझे कौन रोक सकता है, मुझे कौन रोक पाएगा, एक सेकंड में मर जाएगा, आपका काल खत्म हो जाएगा। भगवान यशोदा तो कृष्ण से बड़ा प्रेम करती है, यशम ददाती इति यशोदा, जो अपने बेटाओं को माताएं यश देती हैं उनको यशोदा कहते हैं, यश दिया करो, छोटा पुत्र हो उसको संस्कार दिया करो, बेटा जब हो उसको सेवा करने की आज्ञा करो, बाबा की माता पिता की बुजुर्गों की संतों की, मंदिर में जब जाओ तो लेके जाया करो, उनके यहाँ 5 साल का बालक भी टोपी लगाता है, हमारे यहाँ 5 साल का क्या
50 साल का बालक तिलक लगाने में शर्म गाती है, शर्माता है, ये क्या हो गया है। सूरज ना बदला, ना चंदा ना बदला, ना बदला धरती आसमान, ये कितना बदल गया इंसान। वो नहीं बदला तो हम क्यों बदल गए, हमारे राम नहीं बदला हम क्यों बदल गए, हमारे माता पिता नहीं बदले हम क्यों बदल गए, हमारी गंगा नहीं बदली हम क्यों बदल गए, हमारी गाय नहीं बदली हम क्यों बदल गए, हमारी पृथ्वी नहीं बदली हम क्यों बदल गए। हमको शर्म आती है, सिखा रखने में, चोटी रखने में शर्म आती है, जनेऊ पहनने में हमको लज्जा लगती है। जो ब्राह्मण, अच्छा सबके अलग अलग जनेऊ हैं, जो ब्राह्मण जनेऊ पहनेगा वो जनेऊ आपको गलत जगह से आपकी बचाव कर देगा, आपको गलत रास्ता से बचा देगा। आप कहीं जगह, आप गलत जगह जाओगे और आपके माथे पे तिलक लगा है तो आप 17 बार सोचोगे कोई सोच देखना नहीं, मेरे माथे पे तिलक लगा है तो आपकी रक्षा कर देगा। आपने अगर धर्म किया है तो धर्म आपकी कहीं ना कहीं जरूर रक्षा करेगा, जरूर करेगा। पूतना बोली जाऊंगी, सोने श्रृंगार कर लिया, घूंघट लगा लिया। हमारे ब्रज के साधु कहते हैं लाला या घूंघट में बड़े बड़े लोगों के काम बन जाते हैं, जो माताओं का घूंघटा है बड़े बड़े कामों को बना देता है। पूतना कह रही है घूंघट लगा के जाऊंगी, घूंघट लगा करके जाऊंगी, श्रृंगार करके घूंघट लगा लिया और मेरे गोविंद को मारने के लिए जल्दी है, जहर पिलाने के लिए जल्दी है। भगवान बोले तू जहर पिलाए तब भी मुक्ति दे दूंगा, तू मुझे दूध पिलाती है मैं तब भी कल्याण कर देता हूँ। अग्नि का काम जलाने का है वो जलाती है, जाने में डालोगे तब भी जलाएगी, अनजाने में पड़ जाए तब भी जलाएगी। भगवान बोले मेरा काम भी तो ऐसा ही है, तू भाव से ले चाहे कुभाव से ले मैं जरूर कल्याण करता हूँ, जरूर करते। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। पूतना आई, प्रवेश कर गई, प्रवेश जैसे किया एक ब्रजवासी बोलो चोरे लाला, हाँ बोली ये तो कोई नई गोपी आई है हमारे लाला के दर्शन करने। एक बोलो दारी के तू जाने ना है, ये यशोदा की पुरानी वारी सहेली होगी या हमारे लेट है गई होगी, एक काम कर तू जाने दे, ये दर्शन करने की अच्छो है भगवान मिल जाएंगे। काई ने रोको नहीं पूतना को, अंदर प्रवेश कर गई। यशोदा दूध पिला रही थी कृष्ण को, अपने लाला को। यशोदा सोचने लगी काई ब्राह्मण के घर से ब्राह्मणी आई होगी, इतना श्रृंगार करो पूतना ने, लक्ष्मी लग रही है साक्षात, क्यों पूछो। यशोदा ने भी पूतना को पहचानो नहीं, पूतना ने यशोदा को अलग कर दियो। मैया तू काम कर लो, मैं लाला को झुला लेती हूँ, खिला लेती हूँ। पूतना पलना के पास आ गई और पलना के पास आके जैसी आई अपने लंबे घूंघट को उघार दिया, मेरे गोविंद ने दोनों नेत्र बंद कर लिए। क्यों क्यों बंद किए, इसलिए बंद किए हैं, आंख बंद करके सोच रहे हैं ये काम तो माता का करने आई है इसको गति किसकी प्रदान करूं, ये काम तो माता का करने आई है। दूध कौन पिलाता है, कौन पिलाता है दूध, बोली माँ। बोली ये क्या करने आई है, बोले दूध पिलाने आई है। बोले इसको गति किसकी दूं, माँ का काम करने आई है। एक रूप से भगवान ने इसने नेत्र बंद कर लिए, एक आंख में चंद्रमा रहता है दूसरे में सूर्य रहता है। तो सोच रहे थे राम बन के आए तब भी राक्षसी आई सबसे पहले, राम जब बन के आए तो कौन आई, बोले राक्षसी आई सबसे पहले। कौन सी राक्षसी आई, ताड़का। और भगवान आ गए, बोले पूतना। चार नाम इसलिए कोई लगता नहीं है, ये चार नाम इसलिए कोई रखता नहीं, पूतना ताड़का सुपन खा और मंथरा, चार नाम नहीं रखते।
काई के देखो काई को अपना नाम सुपन खा जाके बड़े बड़े नाखून हो। पर आजकल तो लो आजकल तो परंपरा चल गई है नाखून रखने की। आजकल घरों में बेटियां आजकल घरों में बहने इतने लंबे लंबे नाखून रखती हैं तो वो कौन है बोले सुपन खा उन्हीं को सुपन खा जिसके लंबे लंबे नाखून हो ये सब। पर आजकल तो नाखून रखते हैं लोग इसलिए नाखून नहीं रखने चाहिए दरिद्रता आती है गरीबी आती है लक्ष्मी दूर जाती है दरिद्रता आती है इसलिए घर में आपके बहन बेटी नाखून रखे तुरंत कटवा दो बड़े बड़े नाखून करना निषेध है निषेध है। सब बदल गया है उसी को सुपनखा कहते हैं। पहले माताएं मांग भरती थी क्या भरती थी मांग कहां तक भरती थी बोलो यहां से होके यहां शुरू होती थी और अब तो एक पेंसिल आवे किटकिटना की तरह थोड़ा सा ही बोले बाल नहीं बिगड़ जाए और बाल बिगड़ के तो गड़बड़ हो जाए। बोलो राधे राधे माता सीता एक बार मांग भर रही थी ध्यान से सुनियो आप माता सीता एक बार मांग भर रही थी तो हनुमान जी आ गए। हनुमान जी बोले मैया ये क्या कर रही हो बोले मांग भर रही हूं। बोले क्यों बोले राम की उम्र लंबी हो जाए बोले सिंदूर लगाने से बोले हाँ मांग भरने से मेरे राम की और उम्र लंबी हो जाती पति की लंबी उम्र होती। हनुमान जी गए और साइड में गए और जाकर के फटाक से पढ़िया वाला सिंदूर उठा लिया और सिंदूर लपेट करके सारे शरीर से लपेटा लपेट के सीता के सामने आके खड़े हो गए। सीता बोली क्या कर लिया ये बोले तुम्हें तो कह रही थी सिंदूर लगाने से राम की लंबी उम्र होती है मैंने इसलिए पूरे शरीर पर लगा लिया है मेरे राम की और उम्र लंबी हो जाए तभी से श्री हनुमान जी पर सिंदूर लगाया जाता है और लंबी उम्र हो जाए और लंबी हो जाए। ये राम का है ये राम का दास है हनुमान आहा जिसने अपने मानों का हनन कर दिया है वही हनुमान है अभिमान नहीं है भक्ति का। पूतना आई और पूतना ने आकर के मेरे गोविंद को आज पल्ला में से अपनी गोदी में उठा लिया गोदी में उठा करके अंक से भर के आज महलों के बाहर ले गई महलों के बाहर जाकर के पूतना स्तनपान कराने लगी गोविंद को एक हाथ से स्तन पकड़ लिया दूसरे हाथ से स्तन को पान कर रहे एक मिनट नहीं बलाई देर हो गई। हमारे गोविंद ने शंकर भगवान को याद किया शंकर जी तुम्हें जहर पीने की आदत है और मुझे दूध पीने की आदत है इसलिए जल्दी आ जाओ जहर जहर तुम पी जाओ दूध दूध मैं पी जाऊंगा दोनों का काम बन जाएगा। आप जहर पीते हो आप जहर बहुत देर हो गई प्रभु को 5 मिनट हो गई। पूतना बोली ये साधारण बालक नहीं है साधारण बालक होता तो मर जाता मैं तो जहर लगा के आई थी। अब पूतना के 5 मिनट के बाद प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया प्रभु जी ने खींचने लगे प्राणों को दूध के साथ। अब जैसे प्राण खींचने लगे पूतना आवाज लगा रही है पूतना 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 कृष्ण छोड़ कृष्ण छोड़। भगवान बोले मौसी जी मेरी मैया ने मुझको पकड़ नहीं सिखाया है हम किसी को छोड़ते नहीं हैं और जिसको छोड़ देते हैं फिर हम पकड़ते नहीं हैं। भव सागर में जिसको छोड़ दे प्रभु वो डूब जाता है और भव सागर में जिसको पकड़ ले वो पार हो जाता है। इसलिए मौसी हमसे पकड़ नहीं आवे छोड़ना तो मैया ने सिखाया ही नहीं हमें पकड़ नहीं आता है। पूतना पूतना कृष्ण छोड़ कृष्ण बहुत देर हो गई किल्लाते किल्लाते पूतना ने असली रूप धारण कर लिया बड़ा बड़ा वक्षस्थल हो गया विराट रूप कर लिया धारण
ओहो विराट रूप धारण कर लिया और भगवान ने प्राणों को खींचा और जैसे पुत्रा के शरीर से प्राण खींचे विशाल शरीर था। आज इस ब्रजमंडल की धरती पर पुत्रा का शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर गया। पुत्रा का वध भगवान ने कर दिया। बोले पुत्रा हरि भगवान की जय जय। हाथ उठे आधे जोर से बोलो पूतना का वध कर दिया। पूतना को कान गिरो कानपुर में, पूतना को मूड़ गिरो मुड़सान में, पूतना को पैर गिरो पैगाम में, पूतना को हाथ गिरो हाथरस में। ये हमारे ब्रज के संत गांव है। हाँ लाला पूतना को धर धर रह गए हो भगवान बाकी पक्षस्थल पे खेल रहे हैं उठा पी रहे हैं। ये बात काई को नहीं पता भगवान, ये बात किसी को नहीं पता। बहुत देर हो गई घर में कृष्ण दिखाई नहीं दिए, यशोदा पागल सी हो गई। ब्रजवासी ने दौड़े 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 आए तो क्या देख रहे हैं राक्षसी के शरीर पर भगवान लेटे। अब दौड़ी दौड़ी यशोदा आई आकर के अंक से भर लिया राम 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 राम। और दौड़ी 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 कृष्ण को कहाँ ले गई गौशाला ले गई। इंद्रियाशी केशा प्राणानारायण बता हे राम 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 राम। सेतु द्वीप में मेरे भगवान लाला की रक्षा करें, सोते समय माधव रक्षा करें, खेलते समय नारायण रक्षा करें। गाय के पूछ से झाड़ो लगा रही है, झाड़ो उतार रही नजर उतार रही, गाय के गोबर से लगा के स्नान करा रही है, गाय के चरणों की गज में जो खुर के नीचे मिट्टी लगी रहती है निकाल के माथे पे लगा रही है। मेरे लाला की रक्षा माधव करें। भगवान गोदी में पड़े पड़े हंस रहे हैं। लो हम दुनिया की रक्षा करें हमारी रक्षा कर रही है, हम दुनिया को खिलावे हमको झाड़ो लगा रही है, हमारे नाम से हमको झाड़ो लगा रही है। भगवान हंस रहे हैं। ध्यान से सुनना, संस्कार जब हो रहा तो पुतना के शरीर से सुगंध आने लगी, दुर्गंध की जगह सुगंध आने लगी। राजा परीक्षित बोले प्रभु ये तो राक्षसी थी सुगंध क्यों आई, ये तो राक्षसी थी। भगवान बोले प्रभु बोले जो भी मेरे प्रभु जिसको स्पर्श कर लेते हैं वो अशुद्ध चीज भी शुद्ध हो जाती है। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यास्मिन् पुण्डरीकाक्षं सभा यः पवित्रः शुचिः। भगवान बोले मेरे गोविंद जिसको स्पर्श कर ले वो अशुद्ध चीज भी शुद्ध हो जाती है, पापी व्यक्ति भी पुण्यात्मा हो जाता है स्पर्श जिसको। ये भगवान इसलिए पूतना को स्पर्श किया तो सुगंध आई, दुर्गंध नहीं आ सकती भैया। ये भगवान ने इसको कल्याण कर दिया है, पल्ला में लेके बैठी है। अच्छा 6 महीना हो गई काय को नामकरण संस्कार ही नहीं भयो। हाँ इतनी खुशी ब्रज में। अब सुबह सुबह की बात थी, मैया अपनी लाला को लेके गोदी में बैठी थी। उतनी देर में भगवान देवों के देव महादेव भोले बाबा दरवाजे पर आ गए। मैया 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 बोली आज कौन आ गया। आके देखा तो लंबे लंबे दाढ़ी बड़े बड़े विशीर नाग भुजंगर नाग। पहले क्या बात है मैया, मैं तेरे लाला के दर्शन करने आयो है। मैया मैं तेरे लाला के दर्शन करने आयो। यशोदा बोली बाबा तेरो रूप तेरो भेष देख डर पे मेरो लाला दर्शन नाय कराओ। बाबा ये तेरा जो भेष है याकू मेरा छोरा देख ले तो दारी को डर जाएगा। वो पूरे सोवे को नहीं और श्यापन ने देख के तो बड़ा डर लगा। जब फोटो में देख के जब इतना डरे तो साक्षात देख के का हो वो तेरे लंबे लंबे कार नाग लटके मेरो लाला डर जाएगा। भगवान से बोले मैया आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करवे आयो, आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो और मेरो इष्ट जगत को स्वामी
तने गोद खिलायो याको परवे ना दरसवा तेरो ललना जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना जो मांग सो ले जा बाबा भोजन शाम जमाऊ तेरो भेष डर पे मेरो लाला तो दर्शन ना कराऊ और मेरो छोटो सो ललनवा तेरो ललना बोलो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना ओ बाबा मैं तो दर्शन नहीं कराऊ भगवान से बोले ओ मैया तू दर्शन नहीं कराएगी तो 12 साल की धुनी रमा देंगे योगी है योगी हमारा नाम योगी है कभी तो न करके आवेगो 12 साल में मैया बोली ओ दारी के बाबा तू मोकू धौस मत दियो भगवान बोले क्यों बोले मेरे महल में 15 दरवाजे तू यहाँ पे बैठ जाएगा मैं दूसरे खोल लूंगी पर मैं तो दर्शन नहीं करूंगा मैया बोली ओ दारी के बाबा तो दर्शन बिल्कुल नहीं करो भगवान बोले मैया मैं तो बड़ी दूर से आया हूँ माया काल डरे जग आगे भगतन को हितकारी माया काल डरे जग आगे सब भगतन को हितकारी अपने लाल को मरम न जाने तू कैसी मेहतारी ओ अपने लाल को मरम न जाने तू कैसी मेहतारी और मेरो छोटो सो ललनवा तेरो ललना जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो लल ओ मैया मैं दर्शन करके जाऊंगो बाबा बोले बाबा दर्शन करें बोल मैया बोली मैं तो दर्शन नहीं कराऊंगा राधे राधे जोर से बोलो और तेज बोलो हाँ इमाकल नटको नाज बड़ो सुंदर उत्सव होगो बाबा बैठे बाबा बोले नहीं कराएगी बोले नहीं कराऊंगी बोले कुर्ता ले जा टोपी ले जा भोजन कर ले दक्षिणा ले जा सोने ले ले चांदी जवाहरात ले जा छोरा के दर्शन नहीं कराऊंगा बाबा बोले ठीक है और बाबा अब दरवाजे से जैसे आगे बढ़े जमुना के आगे को बढ़े मेरे कन्हैया ने तुरंत रोना शुरू कर दिया पलना में अब दौड़ी 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 आई हृदय से लगा लियो एक गोपी आई क्यों रो रहे हो लाला बोले पता नहीं एक बोली दारी के नजर तो नहीं लग गई या कार्य करुआ है बड़ी नजर लगे एक बोली एक काम कर कहीं जादू टोना तो नहीं है गयो एक आई बोले तेरे यहाँ सुबह तो कोई आयो तो नहीं बोले एक बाबा जी आयो गोपी देख अभी केसी घाट तक पहुंचा होगा या पकड़ के ला अब गोपी भगी भगी आ रही है बाबा बाबा शंकर भगवान समाधि में बैठे बाबा बोले क्या बोले चल रे योगी नंद भवन में चल रे योगी नंद महल में तो यशोदा मैया बुलावे है बाकी लाला को नजर लगी है थोड़ी लाई लोन मंगवावे है बाहर नजर लग गई है और मैया ने तुमको बुलाया है अब बाबा दौड़े दौड़े आ गए भगवान मैया से बोली लाओ गोदी में दो यशोदा बोली गोदी में नहीं दूंगी कुछ दूर से ही कर दो राम 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 मैया बोली गोदी में देने वाली नहीं बाबा बोली गोदी में दो बोले नहीं मैं तो कु गोदी में नहीं देने वाली भगवान आज बोले गोदी में दो हम मैया डरते डरते दे रही है जो दुनिया का मालिक है जो दुनिया की रक्षा करता है
आज वो यशोदा उसे कितना दुलार कर रही है। ये प्रेम कहते हैं, इसे प्रेम कहते हैं सज्जन। राधे राधे, जोर से बोलो। आनंद अब डरते डरते दे रही है। यशोदा ने जैसे डरते डरते शंकर जी को लाला को दिया, भगवान शंकर की गोद में जाके फटाक से चुप हो गए। मैया की गोद में रोने लगे, बाबा की गोद में चुप हो जाते। यशोदा बोली, चौरे बाबा तैने कौन सी लीला की है? भगवान की गोदी में मुस्कुरा रहे हैं और शंकर भगवान कहने वाले थे, तेरो लाला तो जगत को स्वामी है। भगवान ने इशारा कर दिया, चुप रहो। बोले क्यों? बोले प्रभु, जो करने आया हूँ वो नहीं होगे, फिल्म पिट जाएगी। अगर यशोदा को पता लग गया मैं भगवान हूँ तो यशोदा मैया मुझ चौकी पे बैठा देगी, दो चिनौरी सुबह को, दो चिनौरी शाम को, आप रसगुल्ला उड़ावेगी और यहाँ चिनौरी में रह जाएंगे, और कहीं चूल्हे नौत की दावत आ जाए समय ले जाएगी, यहाँ तो बैठे ही रह जाएंगे। भगवान मान लिया तो फिर तो मंदिर में कैद कर देगी, शीशा के अंदर पैक हो जाएंगे, फिर बढ़िया रसगुल्ला नहीं मिलेंगे, आप बढ़िया माल उड़ावेगी, यहाँ तो चिनौरी में रह जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी। माया को फेर दिया। भगवान बोले, एक काम कर मैया। बोले हाँ। बोले तू मेरो मंदिर अपने महल में बनवा। मैया बोली, ठीक है लाल बाबा। रह रे योगी नंद भवन ब्रजवास भलो तो इतनो की जो। मैया बोली, रह रे योगी नंद भवन ब्रजवास भलो तू इतनो की जो, और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब आके दर्शन दे। मंदिर स्थापित कर दिया भगवान शंकर का, मंदिर बना दिया, और तभी से शंकर भगवान का नाम हो गया। बोले नंदीश्वर महादेव की। नंदीश्वर भगवान पड़ गए दर्शन करके। जब भगवान आज भगवान पधार। मैया लाला को सुला रही है। एक बात बताएं, पहले तो माँ की लोरी में सो जाते थे, अब तो नींद की गोली खा के सोते हैं लोग। उस समय तो मैया लोरी गाती थी, यशोदा लोरी गा रही है, और लोरी गा करके माँ अपने गोविंद को सुला रही है। दोनों बच्चों का, रोहिणी के बेटा का और मैया के लाला के भगवान का दर्शन। वसुदेव जी बोले, गर्गाचार्य जी से प्रभु, आप गोकुल चले जाओ और मेरे यहाँ दो दो बेटा हुए हैं, और काई को नामकरण संस्कार नहीं भयो, आप जाके नामकरण संस्कार करा दो। श्री गर्गाचार्य जी गोकुल की ओर पधारे, सामने से नंद बाबा आ रहे थे। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को देखो, कहाँ से आ रहे हो? गर्गाचार्य जी बोले, पंडित जी पे का काम है, काई को नामकरण संस्कार करानो, काई को विवाह करानो, काई की कुंडली बनानो, काई को ग्रह देखने। ओहो प्रभु, मेरे यहाँ दो दो बेटा हुए हैं, अभी काई को नामकरण संस्कार नहीं भयो है, आप आशीर्वाद कर दो तो नामकरण संस्कार है जा। गर्गाचार्य जी बोले, यदु नाम महाचार्य खातश्चय भुव सर्वता सुतम मया संस्कृते मन्ते देव की सुतम। गर्गाचार्य जी किसके गुरु हैं? बोले यदवंशियों के गुरु हैं गर्गाचार्य जी। नंद बाबा, तुम जो भी काम करते हो ना, वो तुम भगवान बड़ी धूमधाम के साथ करते हो, और मैं नहीं जाऊं, मैं नहीं चाहूं काई के जीवन में संकट आवे। एक कंस तो बड़ा राग द्वेष करता है ना तुमसे, कहीं आने बीच में भेज दे, मैं नहीं चाहूं। बोले आप जैसे कहो ऐसे कर लेंगे। भगवान गर्गाचार्य जी बोले, इस संस्कार का तुम काई को निमंत्रण मत दो, काय को नौता नहीं दोगे, ठीक है? और ये महल में नहीं होगा। कहाँ होगा? बोले लाला को नामकरण संस्कार गौशाला में होगा। ध्यान से सुने, दुनिया के नामकरण संस्कार डीजे बज के होते हैं, दुनिया के नामकरण संस्कार रसगुल्ला की दावत होती है, मेरे गोविंद का नामकरण संस्कार कहाँ हो रहा है? बोले गौशाला में। ये जीवन गौ से शुरू है,
ये जीवन कैसे शुरू है। मैं इसलिए तो कहता हूँ, मेरे गोविंद ने गाय का गोबर उठाया है तो भगवान उनका नाम गोपाल पड़ा है, तो ऐसे थोड़ी पड़ा है। गाय हत्या बंद होने से बंद नहीं होगी, जब तक संकल्प नहीं करोगे गाय की सेवा नहीं होगी। राधे राधे, जोर से बोलो। अब भगवान बोले गौशाला में होगा। यशोदा रोहिणी को आदेश कर दिया, दो चौकी लगा दी। भगवान बैठ गए घर का चार जी, एक बिश्री गौड़ी गणेश रख लिए। अब रोहिणी का बेटा तो यशोदा ने लिया, यशोदा का बेटा रोहिणी ने लिया। इशारों कर रही है सच्चो ज्योतिषी के खड़िया पलटन है। सच्चो ज्योतिषी होगा तो जान जाएगा, उन्हें दारी को खड़िया पलटन है। हमारे ब्रज में कुछ कछु नहीं जाने बाकू खड़िया पलटन के। बोले खड़िया पलटन है तो जाने को नहीं, ज्योतिषी होगा तो जान जाएगा। अदला बदली कर ली बच्चों की, रोहिणी का बेटा यशोदा ने, यशोदा का बेटा रोहिणी ने, बैठ गई बैठ गई। अब गर्गाचार्य जी ने दोनों को देखा, देखते 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 समाधि लग गई। दो प्रकार की समाधि होती है, भगवान बोले बोले दो प्रकार की समाधि होती है। एक तो त्राकट समाधि होती है, एक आंखों पे कपड़ा डाल के भजन करते हैं लोग, इसलिए जब भजन करो तो गोपनीय है। अब जो माला करते हैं आप सब लोग, तो माला को दिखा के नहीं करना चाहिए, वर्जित है, पाप लगता। बोले या तो झोली हो, झोली के अंदर माला की जाए, या अंगोछा से कपड़े से ढक कर के माला को जपा जाए, क्योंकि अगर दिखा के जपोगे तो सब सब पुण्य राक्षस ले जाते हैं, इसलिए गोपनीयम 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 प्रियत। भगवान मंडन कर रहे हैं, भोजन भजन एकांत का होना चाहिए, इसलिए आप जब भजन करो तो दुनिया की परवाह छोड़ के 10 मिनट भगवान का भजन करो। राधे राधे। लड्डू गोपाल कौन कौन के सब रखते, यहाँ संबंध बना के रखा जाता है। भगवान से संबंध नहीं बनाओगे तो सेवा आपके कल्याण नहीं कर सकती। बेटा का, पिता का, भाई का, भगवान का, पुत्र का, जो जिस तुम चाहो संबंध बनाओगे तो आनंद होगा। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। और मैं कहा करता हूँ भैया, आनंद बाहर नहीं आएगा, आनंद बाहर आने की चीज नहीं है, आत्मा के बोध का ज्ञान जिसको हो जाएगा उसी को परमानंद की उपाधि मिल जाएगी, उसी को आनंद आ सकता है। दुनिया में सुख मिलेगा, आनंद नहीं मिल सकता। आनंद है भगवान का नाम, नंद के आनंद भाई। क्यों कहा? बोले आनंद तो परमात्मा के नाम में ही आएगा, दुनिया के साधनों में आनंद नहीं आएगा, सुख मिल जाएगा। इसलिए काम करते रहो, आप काम करते हो भगवान का स्मरण, काम करते रहो, नाम जपते रहो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, याद आएगी उसको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देगा कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। माताएं भोजन कर बनाती हैं, लक्ष्मी है नहीं होने के कई कारण हैं। बोले चप्पल पैर के भोजन नहीं बनाना चाहिए, अब तो सब घरों में 90% चप्पल पैर के भोजन बनाते हैं। भगवान बोले मैं स्वीकार नहीं करता, पवित्रता में चाहिए, शुद्धता चाहिए। रात का जो आटा माताएं रख देती हैं और सुबह उसकी रोटी बनाती हैं तो लक्ष्मी चली जाती है, उसमें प्रेत वासा होता है, भूत वासा होता है, इसलिए आटा जब बच जाए तो उसे फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, भूत प्रेत बन जाता है, पिंड बन जाता है। इसलिए जितना बचे रोटी बना दो और चाहे भले सुबह कुत्ता को खिलाओ, पर बचा हुआ आटा घर में कदाचित मत रखो, जिससे लक्ष्मी चली जाती है, दरिद्रता आ जाती है। बोलो राधे राधे। जो माताएं हप्पी कट कराती हैं,
अब वो तो आप कहोगे ये तो महाराज बड़े पीछे पड़े, आजकल तो सब चल रहा है ब्यूटी पार्लर भी चल रहा है, आज तो माताएं बाल कटिंग कराती हैं, पहले ऐसा नहीं होता था, बाल कटिंग कराने से पति की उम्र कम हो जाती है, माताओं में बालों की परंपरा थी, इसलिए भगवान बोले ये सब नहीं करना चाहिए। खड़े होके बाल माताओं को नहीं बालने चाहिए, काटने चाहिए, लक्ष्मी हरती है, दरिद्रता आती है, ये भगवान का नियम है। तुम मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। कहाँ जाना पड़ जाए, अब सांस बंद हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए, मानस भरे शरीर का पता नहीं तकदीर का, इसलिए क्षण मात्र मिला है भगवत चरण में हो जाओ, भगवत कथा श्रवण करो, जीवन परिवंत इस कथा को सुनो, जब तक तुम्हारा जीवन रहे, जब तक भागवत रस को पीते रहो। गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई, बैठे रह गए। यशोदा बोली बाबा कम से कम मरनो या तो बाहर मरते या महल के अंदर का एक उमरे, मेरे लाला के जीवन में और संकट डाल दियो। माँ यशोदा सोच रही है बाबा तू सुधार गए, हिला रही है बाबा बाबा। थोड़ी देर के बाद समाधि टूटी। अहम ही रोहिणी पुत्रो यशोदा, हाँ जो तुम्हारी गोद में बालक लेटा है ये तुम्हारा पुत्र नहीं है। बोले और? बोले ये तो रोहिणी का पुत्र है। अब तो मैया ने जैसे सुनो रोहिणी का पुत्र है, मैं यशोदा ने अपनी हीरे की अंगूठी उतारी और बाबा जी को पहना दी, सच्चो ज्योतिषी है खड़िया पलटना है, ये तो सच्चो ज्योतिषी है, हीरे की अंगूठी उतार के बाबा जी को पहना दी। माता मैं आज क्या वर्णन करूं, ये रोहिणी का पुत्र है, इनका नाम राम है, लेकिन बल अधिक होने के कारण मैं इनका नाम आज बलराम रखता हूं। इनको नाम बलराम होगा, इनको नाम बलराम कहेंगे या बलभद्र भी कहेंगे, भद्र के समान कल्याण करने वाला, जिसके समाज का कल्याण जो करता है उसरी बलराम बलभद्र भी कहेंगे, इनको नाम दाऊ दयाल भी होगा। रोहिणी आसनो वरणो शास्त्रो, अब रोहिणी की गोद में बालक लेटा है, इनके मैं क्या नाम रखूं? गर्गाचार्य जी तो कहने वाले थे ये तो दुनिया के नाम रखते हैं, ये तो जगत को स्वामी है, परमात्मा है। इतनी देर में कन्हैया ने इशारा कर दिया चुप रहो फिल्म फट जाएगी। बोले क्या हुआ? बोले प्रभु अगर मैं भगवान मान लिया तो मैया मेरी चोटी नहीं गोएगी, मैया मेरा तिलक नहीं लगाएगी, और भगवान की स्थिति तो तुम जानो, मंदिर में शीशा के अंदर बंद हो जाए भगवान, और पुजारी जी लिख दे मंदिर में जल चढ़ाना मना है शीशे पर, और भक्त कैसे होते? बोले जब तक भगवान के मोड़े तक पानी नहीं पहुंचे तब तक उन्हें शांति नहीं मिले, जा कछु है जा। मोहर की मक्खी लत बता रही है, चैटा भी लग रहे हैं, दो बतासे और लग दिया थे। भगवान बोले लाला इन बतासों की आवश्यकता थोड़ी है, मुझे तो तेरी भाव की आवश्यकता है। भावना में भाव हो भव से बेड़ा पार है, भाव की आवश्यकता है। यशोदा की अगर कृष्ण बनकर गाए तो भगवान प्रेम से आए भाव से। इनको पहले शुक्ल वर्ण था, फिर इनको रक्त वरण हुआ माता, फिर पीत वरण हुआ, और अभी इनका कृष्ण वरण है। कृष्ण वरण होने के नाते मैं इनको नाम कृष्ण रखता हूँ, कृष्णेति कृष्णा, इनको नाम कृष्ण होगा, ये जगर को जियाला होगा, इन थोड़े सांवले हैं तो इनको नाम थोड़ा सांवला होगा, कारो कलुआ भी इन्हें कहेंगे, इनको नाम वसुदेव का पुत्र हो चुका है इसलिए इनको नाम वसुदेव वसुनंदन भी होगा मधुसूदन भी होगा। जैसी जैसी तेरा छोरा लीला करेगा ऐसी ऐसे नाम पड़ जाएंगे, इनके कितने नाम है मैया एक हो तो गिनाऊं,
एक हो तो गिनाओ। बढ़िया नामकरण संस्कार कर दिया है, प्रणाम किया मन ही मन। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणत अकलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणाम कर लिया गोविंद को, नामकरण संस्कार करा दिए और आज मैया ने दक्षिणा देके विदा करा दी। बहुत सी दक्षिणा दी। आजकल लोगों के विवाह होते हैं और मैंने देखा है विवाह जब होते हैं तो पंडित जी जब संस्कार कराते हैं तो लोग दक्षिणा देने में बड़े नाटक करते हैं। हाँ, ये नहीं करना चाहिए। तुम लाखों की दारू बांट देते हो, लाखों के डीजे वाला ले जाता है, 50,000 रुपया बैंड वाला ले जाता है, इसलिए ब्राह्मण जो आए विद्वान ब्राह्मण को लेके आओ और अपने बेटी बेटाओं को संस्कार तरीका से कराओ और उनको बढ़िया दक्षिणा दे करके विदा करो, खुश करो। भगवान बोले मैं बड़ा खुश होता हूँ इस प्रकार, इसलिए गंजू से नहीं बरतो। वहां ये भगवान वर्णन करा रहे हैं। अब छोटे से कन्हैया है, अब ध्यान से सुने सब लोग। छोटे से कन्हैया है, घुटमन घुटमन चल रहे हैं। एक दिन की बात है, नंद बाबा जमुना में स्नान करके आ रहे थे और स्नान करके जब आ रहे थे ना तो पीछे पीछे हमारे कन्हैया चल दिए। नंद बाबा बोले लाला स्नान करके आवे, बिगड़ना ही नहीं, आवे पूजा घर में। अच्छा, बोले हाँ हमारे शालिग्राम की पूजा होगी, ये बिगड़ना ही नहीं आवे। अब नंद बाबा तो शालिग्राम की पूजा कर रहे हैं, दूध दही शहद बूरा अभिषेक कर रहे हैं ना। कन्हैया देख रहे हैं समाज, भगवान नंद बाबा पूजा करके आंखों पे कपड़ा डाल के बैठ गए, कन्हैया पीछे से घुस गए और नंद बाबा के बराबर में जाके आलती पालती मार के बैठ गए, बैठ गए। अब शालिग्राम को देख रहे हैं, ओहो मैं जब ही तो कह रहा हूँ दारी को बड़ो मोटो ताजी है गयो है, बाबा याकू बड़े बड़े माल खवावे, आज दारी के कुछ चेक करते हैं, लग तो कैसे हो। मेरे गोविंद ने लंबो हाथ करो और शालिग्राम को फटाक से उठा के धड़ाम से मुंह में धर लियो। कभी बाहर ले जावे कभी भीतर लावे, जैसे आम को चूसते ना आम को, उसी प्रकार चूस रहे। ओहो मैं जब ही तो कह रहा हूँ बड़ो मीठो है गयो है, ये तो बड़ो मीठो लगे दारी को। छोटे से कन्हैया है, मुंह फूल के कुप्पा है गो, बड़ा बड़ा मुंह है गयो छोटे से कन्हैया, इतने बड़े शालिग्राम। अब नंद बाबा की समाधि टूटी, अब देखा तो इधर उधर शालिग्राम नहीं, साइड में देखा तो दूसरे भगत जी तैयार है। अब नंद बाबा को आई गुस्सा, इन दोनों हाथों से गुलचा बनाए, इनको गुलचा बोले ब्रज में, गुलचा जैसी बनाए दारी के मोड़े पे जैसी मारो, पटाक से शालिग्राम बाहर जाके गिरे। यशोदा कान पकड़ लिया भगवान का, जो दुनिया का कान पकड़ता है आज नंद बाबा उसी का कान पकड़ रहे हैं, उसे लीला कहते हैं, ये पराकाष्ठा कहते हैं भैया, ये प्रेम की कथा है, ये लीला प्रेम की है भगवान की। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो यशोदा यशोदा। हाँ भाई देख 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 देख, तेरे छोरा ने हमारे भगवान को झूठो कर दियो। देख कन्हैया पल्लू पकड़ के खड़ो हो गए, मैया मोको नहीं मालूम हो तेरो शालिग्राम हो, मैंने तो कालो कालो रसगुल्ला जानो, अब जैसे मुंह में आयो जब पतो लगे तेरो शालिग्राम, अब मुंह का पतो लगी रसगुल्ला भी ऐसे ही होवे और तेरे शालिग्राम भी ऐसे ही होवे, जब दातर के नीचे आयो तब पतो लगी शालिग्राम। मैया मैंने तो रसगुल्ला जानो या हमारे मुंह में धर लियो, कालो रसगुल्ला जानो वो भी ऐसे ही होगा और शालिग्राम भी ऐसे ही होगा। अच्छा मैया अब नहीं करूंगा, हाँ दारी के कान पक जाएंगे, कान पक जामे लाला, ये हमारे भगवान हैं, मैया के ब्रज में लीला कर रहे हैं। कृष्ण ने जो किया उसे लीला कहते हैं और राम ने जो किया उसे लीला नहीं कहते। लोग क्या कहते हैं, रामलीला देखने चले गए। नहीं नहीं नहीं, मेरे राम ने कोई लीला नहीं की, मेरे राम ने तो वो जो किया है जो आज होता है जो करना चाहिए। और कृष्ण ने लीला की, बोले कैसे, बोले छोटे से कन्हैया ने इतनी बड़ी पूतना को मार दियो, इसे लीला कहते हैं।
छोटा बालक मार सकता है क्या? नहीं, और लीला है, लीलाधारी है। बोले भगवान लीला करने के लिए ब्रज में आए हैं, और लीलाधारी ने पूतना को मारा, ऐसे लीला कहते हैं। राम ने जो किया है उसको करना सीख लो, कृष्ण ने जो किया उसे जीवन में धारण करना सीख लो। कृष्ण ने जो किया उसे करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब भगवान छोटे से हैं। अब एक दिन की बात, एक गोपी के घर पहुंचे, गोपी भोजन बना रही थी। कन्हैया ने आवाज लगाई, भाभी जी राम राम। अब गोपी ने देखो तो कन्हैया है। अच्छा आ जाओ, आज काहे रहे हो? बोले आज हमारे घर सत्यनारायण की पूजा होगी। क्यों? बोले हमारे पति को 56वां जन्म दिवस मना रहे, खीर बन रही है तस्मई, और तू खा के कहियो पंडित जी आ रहे होंगे। अच्छा गोपी भावी, तेरे सत्यनारायण कहाँ है? तेरे सत्यनारायण कहाँ है? अब तो गोपी हाथ पकड़ के अंदर ले गई, चौकी पे सत्यनारायण बैठे थे। देख तू दर्शन कर ले, मैं तो भोजन बना लो। अब भगवान पीछे से गए, परमानंद जगत को स्वामी लायो पिल्ला घी। पीछे से गए वो तो कुत्ता के पिल्ला उठा ले, और चौकी पे सत्यनारायण को हटा दियो, वो दोनों कुत्ता के पिल्ला बैठा दिए। गोपी तेरे सत्यनारायण प्रकट है गए। अब गोपी भगी भगी आई, दो चार पटक लग गई, आकर के देखो सत्यनारायण की जगह कुत्ता के पिल्ला बैठे हैं। ऐसी लीला भगवान कर रहे हैं ब्रज में, ऐसी लीला कर रहे। बोले लीलाधारी भगवान की, या को नाम टेढ़ो है, या को काम टेढ़ो है, या को लीला टेढ़ी है, या को दर्शन टेढ़ो है, या के भक्त टेढ़े हैं, वृंदावन टेढ़ो है, मथुरा टेढ़ो है, सब टेढ़ो ही टेढ़ो है। वो कृपा करती है। अब भगवान वर्णन कर रहे हैं, ये लीला ब्रज में भगवान कर रहे हैं। एक गोपी के घर भगवान घर गए। अब भगवान जब गए तो जैसे छींके पे लटको माखन चुरा रहे थे, इतनी देर में गोपी आ गई, कान पकड़ लियो। तेरी माँ बड़ी कह भाई, मेरे लाला को रंगते हाथ पकड़ियो, मैंने आज दारी के तो को रंगते हाथ पकड़ो है। हाथ गोपी भगवान को यशोदा की ओर ला रही है। भगवान बोले आज तो माल लगेगी, मैया मारेगी, अब क्या करें? अभी गोपी लेकर के भगवान को चल रही है, माल लगवाऊंगी, पिटाई लगवाऊंगी, आज तो दारी के सांटी ते माल लगवाऊंगी। भगवान बोले अब क्या करें? अच्छा एक बात बताएं, मेरे गोविंद कोई ना कोई नई लीला करते। अब जब गोपी लेके चल रही थी ना, तो भगवान गोपी से बोले, गोपी तू या ब्रज की कौन लगे? गोपी बोली मैं तो बहू लगूं या मेरी ससुराल है। भगवान बोले गोपी तू तो या घूमटे घुआर कैसे चल रही है, जैसे सबकी अम्मा लगती हो, या चौड़े घुआर कैसे चल रही है? अब तो गोपी ने फटाक से घूमट लगा लियो, लाला तेने तो लाज बचा ली। कन्हैया बोले देख लो, हम तो बड़े बड़े इनकी लाज बचा में, हमने बड़े बड़े इनकी लाज बचाई, जो तेरी बचा ली है। हमारे तो लाज बचाने कोई काम है गोपी, हमें कोई लाज बचवाने बुलावे क्या? हम दौड़े चले जाते हैं, हमने बड़े बड़े इनकी लाज बचाई है, बड़े बड़े इनकी लाज बचाई है। कन्हैया गोपी बोली हाँ लाला। अब गोपी घूमट लगा के चल रही है। पहले जमानों में आजकल जैसे घूमट नहीं थे, अब तो घूमट लग रहे हो, पर एक किलोमीटर से पता लग जाए सुसर जी आ रहे हैं, सब दिखता है। पर पहले जमानों में बड़ी अदभुती शादी थी, नीचे नीचे कोई चमकता था, सामने को नहीं चमक रहे हो। हमारे ब्रज में कह मैं बोले वैसे तो घूमट लगा रखो है, पर अंदर ही अंदर गारी दे रही है, आजा दारी के तेरे सर पे हरिया फोड़ूंगी। ये ब्रज की कथा है। तो भगवान बोले गोपी घूमट लगा के चल रही है। अब यार गोपी को नीचे नीचे को चमक रहे हो, सामने को नहीं चमक रहे हो। सामने से गोपी का देवर आ रहा था, भगवान ने बुलाया इधर आओ। अब पास में बुलाया, और पास में बुला के गोपी से बोले गोपी तो तरस नहीं आवे? गोपी बोली का भयो? बोले ये हाथ दर्द कर रहे हो है, तू मेरे दूसरे हाथ पकड़ ले, चलने के लिए तो मना नहीं कर रहे हो। गोपी बोली हाँ। अब तो भगवान ने अपना हाथ छुटाया और बाकी देवर को हाथ में हाथ देके भगवान मैया के पास भग गए, और दौड़े 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 मैया यशोदा के पास गए। ओ मैया हाँ लाला, मैंने चोरी बंद कर दी है,
हाँ तेरे घर में 100 मटकी माखन की हो में। अच्छा मैया कोई झूठे को नाम लेके आ जाए। यशोदा बोली भाई मैं देख लूंगी, अब तो कन्हैया अंदर जाकर के सो गए। अब हल्ला गाड़ती आ रही है गोपी, यशोदा यशोदा। यशोदा बोली का भयो तू बड़ी के भाई तेरे छोरा को रंगते हाथ पकड़ियो, देख 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 तेरे छोरा को रंगते हाथ पकड़ो है। यशोदा बोली अब घूमट उघार के देख तेरो लाला है के मेरो लाला है। अब तो गोपी ने जैसे घूमट उघारो, अब तो वाके देवर को वाके हाथ में हाथ लगो। अरे मैया तेरो लाला तो कोई जादूगर है, घर से पकड़ के लाई रस्ते रस्ता में जादू कर दियो। यशोदा बोली कोई पकड़ के तो दिखा है, कोई मेरे छोरा पकड़े तो। शेष महेश गणेश दिनेश भगवान जिसका पार कोई नहीं पाता हो। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश रहूं जो निरंतर ध्यावे, काई अखंड अनंत अनादि अभेद अभेदन श्वेत बताव। नारद के सुख व्यास रहे पछियावर को न पार न पावे, ताई अहिर की छोरने ने छचिया भर छाच पे नाच नचा। ताई अहिर की छोरने ने छचिया भर छाच पे नाच, देखे बिन काना ये मन नहीं माना, देखे बिन काना ये मन नहीं माना, इन आंखों ने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना यही तो बहाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना यही तो बहाना। भगवान बड़े बड़े पार नहीं पाए, बड़े बड़े पार नहीं पाते। नारद के सुख व्यास रहे पचिया भर को न पार न पावे। और जिसको विमलात्मा बड़े बड़े महात्मा जिसकी चिंता करते हो, ताई अहिर की छोरी ने छचिया भर छाच पे नाच नचा। नाच के दिखाओ ऐसा लीला है। एक गोपी के भगवान घर गए, और एक गोपी के भगवान जब घर गए तो कुछ नहीं मिला, बाकी छोरी सो रही थी। अब भगवान बड़ी तेज आए और खाट के किनारे आकर के कान के पास बोले हौवा करके भग गए। अब हौवा दे दुनिया बच्चा डरे ही जावे, नौकेदारी के हौवा आ रहा सो जा। अब भगवान बोले हौवा इतनी तेज करके भगे। अब तो फटाक से जाके छोरी नीचे गिर गई और भगे भगे आगे आगे कन्हैया पीछे पीछे गोपी भगी जा रही। रुक जा रुक जा, इन गोपियों का ताना यही तो बहाना है। भगवान बोली ताना नहीं, ताना लेके तो कृष्ण का दर्शन करने आते हैं। कृष्ण का दर्शन करने गो माने इंद्री, पी माने पीना, जो कृष्ण से प्रत्येक इंद्री से कृष्ण के रस को पीती है वही तो गोपी है सज्जनों, वही गोपी है। भगवान बैलगाड़ी में सो रहे थे, राक्षस भेज दिया कंस ने तृणाव्रत। तृणाव्रत माने हिंदी में कहते हैं उसे जो गोल गोल हवा आती है बैसाख के महीने में, जिसे गांव में भगूड़ा बोलते हैं, भगूड़ा बोलते हैं। अब वो तृणाव्रत उसका रूप लेके आया और भगवान को बैलगाड़ी में उठा के आकाश में ले गया। भगवान से छोटा बनना आवे तो बड़ा भी आवे। भगवान आज जैसे आकाश में ले गया और आकाश में जाके तृणाव्रत से युद्ध प्रारंभ कर दिया। युद्ध करते 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 तृणाव्रत का वध किया बैलगाड़ी में भगवान सब। इस बात को किसी को मालूम नहीं है, भगवान किसी को मारते नहीं है, भगवान सबका कल्याण करते, सबका कल्याण करते। गोविंद पूतना को मारा नहीं, शरणागत की भगवान ने। भगवान कह रहे हैं बोले बोले मैं सब किसी का कल्याण सबका कल्याण करता हूं, जो मुझे भाव से पुकारे तब भी, कुभाव से ले तब भी। उल्टा नाम जपा जग जाना,
वाल्मीकि वही ब्रह्म समान है। उल्टे नाम से अब सब गोपियां भगवान के समक्षता है। भगवान आज बोले आज से कोई बड़ी चोरी करेंगे, छोटी चोरी नहीं करें। आशुतोष प्रदोष मधुमंगल श्रीदामा मंसकार कृष्ण बोले आज से दशहर चोरी करेंगे। और सभी गोपियां शिकायत लेकर के जाती हैं मैया के पास, और मैया यशोदा के पास शिकायत लेकर के जाती हैं, और यशोदा से सब गोपियां शिकायत करती हैं कृष्ण की, कृष्ण की जाकर के शिकायत भगवान करती हैं, और यशोदा शिकायत सुनती है, सभी गोपियां शिकायत करती हैं गोविंद की। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। भगवान सुखदेव परीक्षित को वर्णन सुना रहे हैं। परीक्षित ये गोपियों का जितना प्रेम है कृष्ण से दुनिया में कौन करता होगा। भगवान गोपियों को कृष्ण प्राणों से प्रिय हैं। रस्सी कम पड़ जाती है रेशम की, अभिमान दूर हुआ तो मेरे गोविंद रेशम की डोरी से बंधने ओखल से बांध दिया मैया यशोदा ने। जो दुनिया को बांधता है आज उसी को यशोदा बांध रही है, उसी को यशोदा बांध रही है भैया। ओ कल से बांध दिया, कामकाज में लग गई। अब भगवान ओकल को लेके घुटमन घुटमन चलने लगे। अब ओकल को लेके चल रहे हैं ना, तो मैया के महल के बाहर यमन अर्जुन के दो वृक्ष खड़े थे, उनके बीच में से जैसे मेरे गोविंद निकले भगवान का स्पर्श हुआ, राम से जौनो पेड़ जमीन पर गिर गए। दो मनुष्य हाथ जोड़ते बाहर आए। परीक्षित बोलिए कौन है। बोलिए कुबेर के पुत्र थे नलकूबर। नारद जी जा रहे थे एक बार, प्रणाम नहीं किया था। नारद जी ने इनको श्राप दे दिया था, जाओ तुम तो यमल के वृक्षों की भांति खड़े होते हो, जाओ तुम यमल वृक्ष बन जाओ। झुकता वही है जिसमें कुछ जान होती है, अगर तू मुर्दे की पहचान होती है। विद्वान व्यक्ति झुकता है, मूर्ख व्यक्ति अकड़ता है पहचान कर लेना। इसलिए इस कथा को सुनकर के क्या सीख है, बोले व्यक्ति को सरल होना चाहिए। मनुष्य का मनुष्य पाना इतने ही पाना इतना सरल नहीं, मनुष्य का जितना सरल होना बहुत कठिन है। जिस दिन मनुष्य सरल हो जाता है उस दिन भगवान की उसे प्राप्ति हो जाती है। भगवान कहीं दूर नहीं है, भगवान तो हमारे घर में रहते हैं, भगवान तो हम सब के हृदय में रहते हैं, भगवान तो कण कण में रहते हैं, भगवान तो हमारे हर जगह रहते हैं। ऐसी देश ऐसा काल ऐसा मंदिर ऐसा घर जहाँ है जहाँ मेरे गोविंद ना रहते हो, मेरे गोविंद ना रहते वो तो हर जगह है। ढूंढने के लिए कलि रूपी चश्मे हटा दो, भक्ति रूपी चश्मा धारण कर लो। अगर वृंदावन को भक्ति के चश्मे से देखोगे तो वृंदावन में आपको टूटे फूटे मकान जमुना का किनारा मिलेगा, और कलयुग के चश्मे से वृंदावन को देखोगे तो एक वहां घूमने का एक एरिया दर्शन, बड़े बड़े मकान बड़े बड़े कोठियां बड़े बड़े गेस्ट हाउस में। इसलिए वृंदावन तीर्थ में जब जाओ, तीर्थ में कभी जाओ तो ज्यादा साधन जुटा करके नहीं जाना चाहिए। आजकल तो जब तीर्थ में जाए खोवा के लट्टू ले, बढ़िया पपड़ी ले, मठरी ले, और बड़े बड़े आइटम झोला को भर के ले जाए। नहीं, बोले तीर्थ में जब जाओ दुदा चक्कर में मत पड़ो, वहां तो केवल भगवान का दर्शन करेंगे। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। तीर्थ में जब जाओ तो वहां केवल एक चेष्टा हो, परमात्मा की प्राप्ति हो। वृंदावन द्वारका बद्रीनाथ केदारनाथ यमुनोत्री हरिद्वार कुरुक्षेत्र प्रयागराज, तीर्थ में जब जाओ तो मुक्त होकर के जाओ, वहां तो केवल केवल भगवान के दर्शन मात्र से जाओ, आत्म कल्याण के लिए आओ। और अब भीड़ चाल ज्यादा है, लोग कावर लाते हैं, कावर लेके आते हैं लोग,
हरियाणा में बहुत लाते हैं सावन में। अच्छा आपके घर कौन कौन लाता है, हाथ उठाओ। बेटा बेटा लाते हैं कोई? हरियाणा में बहुत कावर आती है। तो भैया मेरा कहने का मतलब है, वहां लाखों लोग जाते हैं, दस लाख के, दो दो लाख के डीजे लगाते हैं लोग, दस लाख के बड़ बड़ी कावर लाते हैं लोग, पैदल आते हैं। पर जब तक तुम आज कल्याण को नहीं जाओगे, कल्याण नहीं होगा। अब देखा देखी चल रहे, खूब भग के आ रहे हैं, डीजे बजा के आ रहे हैं, रास्ते में दारू पी के आ रहे हैं, भांग खा के आ रहे हैं। भगवान कह रहे हैं ऐसी भक्ति से प्रसन्न थोड़ी होता हूँ। तू जब आता है तो केवल निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वो है कपट छल क्षेत्र न भावा। भगवान तुम्हारे निर्मल मन की आवश्यकता है, दिखावे की आवश्यकता नहीं है। मेरे गोविंद वर्णन कर रहे हैं। नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, आवाज हो गई, पेड़ गिर गए, वृक्ष गिर गए, भगवान उनके बीच में थे। आदेश कर दिया, आज से गोकुल में नहीं रहेंगे, जहां हमारो लाला सुखी रहेगा वहां हम रहेंगे। नामम वृंदावनम नामम पश्यः नवकामनम। गोकुल से आगे वृंदावन बढ़ता है, आज से हम वृंदावन रहेंगे। वृंदावन गोवर्धनम यमुना पुलन नाम चा। वृंदावन के पास गोवर्धन है, वृंदावन के पास यमुना है, और वृंदावन में जाकर के हम बहस करेंगे, आज से गोकुल में हम नहीं रहेंगे, जहाँ हमारो लाला सुखी रहेगा हम तो सब वहीं रहेंगे। वृंदावन वृंदावन तुलसी बनवानी वन, इसलिए तुलसी की माला कंठ में पहनो, वैष्णवों को भगवान का दर्शन करना चाहिए। और नहीं तो पता क्या होगा, कुत्ता पकड़ने वाली टीम आती है, इधर आती है कि नहीं? एक कुत्ता पकड़ने वाली टीम आती है जिसको म्युनिसिपैलिटी बोलते हैं, बड़े बड़े वीआईपी सब चंडीगढ़ जैसे शहरों में आते हैं। अब जहाँ कुत्ता की नार में बेल्ट मिल जाती है, वहां कुत्ता को छोड़ जाते हैं, बोले ये पालतू। और जाके नार में बेल्ट नहीं मिलती, बोले ये फालतू। तो पालतुओं को छोड़ दो और फालतुओं को ले चल, बंद कर ले जाते। ऐसे यम के दूत आएंगे लेने, जाके मस्तक पर, जाके नार पर भगवान की बेल्ट लगी मिलेगी, बोले ये है पालतू। और जाके नार में बेल्ट नहीं, बोले ये फालतू। तो यहाँ फालतू का कोई काम नहीं, पालतू को काम है। फालतू फालतू को डिग्गी में बंद करके यमराज के द्वार ले जाएंगे। इसलिए तुम्हें यम के द्वार जाना है तो मत पहनो, और भगवान के द्वार जाना है तो चंदन और तुलसी भगवान का दर्शन कर दो। राधे राधे, जोर से बोलो। आदत हो जाए, आदत अच्छा जिसको, अच्छा देखिएगा, किसी को आदत भगवान के नाम की होती है, किसी को आदत बीड़ी की होती है, किसी को आदत सिगरेट की होती है, किसी को आदत गुटखा खाने की होती है, सब खाते हैं। अब जिसको आदत है, कथा में आया जब भी मानेगा नहीं, कथा में भी आएगा तो ओटक में पिएगा, ओटक में बढ़िया तम्बाकू दबा लेगा सर। ऐ आदत जिसको जिसको लगी है, तो एक बार की बात थी, एक वृंदावन से हमारे ब्रजवासी बाबा दिल्ली जा रहे थे, बढ़िया चकाचक, बूढ़े होंगे 70-80 साल के थे, 70-80 साल के थे, दिल्ली जा रहे थे। उन्हीं के पास एक बाबूजी बैठे थे, वो भी दिल्ली जा रहे थे, बढ़िया काला कोट, काला टाई, काला मोजे, काले चश्मा, काला जूता, काले बार, चकाचक बैठे थे। अब बाबूजी को आदत थी सिगरेट पीने की, सिगरेट को डिब्बा संग ले गए। बाबा को आदत थी हुक्का पीने की, हुक्का संग ले गए, दोनों संग ले गए। अब आदत की बात थी, अब बाबा तो बड़े बुजुर्ग थे, धोती कुर्ता पहन के, टोपी लगा के, चिकाचक ब्रजवासी, ठेठ ब्रजवासी थे। अब जा रहे थे, सफर हो रहा था, तो बाबूजी को आदत लगी सिगरेट की, सिगरेट जलाई और सिगरेट पीना प्रारंभ किया, सिगरेट लगा के पीना प्रारंभ किया, दो चार घूंट लगाई बाबा के कुर्ते पर, सिगरेट को छाड़ दिया। बाबा बोले ये क्या कर दिया? बाबूजी बोले सॉरी। क्या बोले? सॉरी। अब ये सॉरी फॉरी नहीं जानते थे, ब्रजवासी गांव के बाबा थे। अब दोबारा सिगरेट झाड़ दी, फिर सॉरी बोल दिया, दोबारा झाड़ी, फिर सॉरी, सॉरी सॉरी बोलते सिगरेट हो गई खत्म। अब
अब कौन को नंबर आयो? बोले अब बाबा को नंबर आ गयो, बाबा हुक्का संग ले गए। बाबा ने चिलम जलाई और हुक्का में बढ़िया चिलम लगा के अग्नि लगाया और चकाचक दो चार घूंट खींचे बाबा ने। बाबूजी पल्ली तरफ देख रहे थे, अब देख रहे थे पल्ली तरफ, तो बाबा ने दो चार घूंट लगाई और बाबूजी के कोट की जेब को चौड़ाया और चौड़ा करके पूरी चिलम को अग्नि को बाबूजी की कोट में पलट दिया। ये क्या कर दिया? बोले बड़ी देर से सॉरी। बोले बाबा, बोले कान पकड़ के, भैया सोरा, बड़ी देर से सॉरी हो रही थी, या हमारे सोरा है गए हो, तो कहीं ऐसो नहीं है जाए, आदत के चक्कर में सोरा है जाए, इसलिए आदत सुंदर डाल लो। आदत 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 है जिसको पड़ी जिसकी आदत है, और हम सब पे की है श्री जी ने कृपा, राधे कहने की आदत है। बोलो राधे, जोर से बोलो। अब सब बैलगाड़ियों में सामान लाद लिया, ढोलक मजीरा चकाचक वृंदावन की ओर पधारे, वृंदावन की ओर आ रहे। अच्छा कौन कौन चलेगा वृंदावन? एंट्री कर लो, शरीर से यही रहे ना, ये मन वृंदावन ले जाना। बोले माखन चोर भगवान की। आचार्य श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं परीक्षित, मेरे गोविंद की बड़ी सुंदर लीला है, मेरे गोविंद ब्रज में वास करते हैं। वृंदावन माने तुलसी, वृंदावन तुलसी बनवाने वन, जहाँ तुलसी का वन है वही वृंदावन है, वृंदावन में भगवान रहते हैं। आज बड़ा सुंदर किनारा जमुना का किनारा है, तुलसी का वन है और वृंदावन की तो महिमा बड़ी अद्भुत है सज्जनों, बड़ा अद्भुत प्रेम है वृंदावन में। जो एक बार वृंदावन चला जाए वो द्वारा बार बार जाना चाहता है। अब भगवान बोले, भगवान तो वृंदावन रहते हैं, आज मेरी गोविंद ने मेरी मैया से गाय चराने की अनुमति मांगी है। भगवान बोले अनुमति मांगी है, बोले मेरी गोविंद ने, यशोदा माँ बोली लाला तो अकेलो नहीं जाएगो, बलराम आदि का दर्शन है, तो बंटवारा हो गया है, गायों को कृष्ण चराएंगे, बछड़ों को बलराम चराएंगे। मेरे गोविंद आज गाय चराने की अनुमति मांग करके इस ब्रज में, इस ब्रज के जंगल में मेरे गोविंद गायों को चला जाए। भगवान वंदन करा रहे हैं, गायों को मेरे गोविंद चरा रहे हैं। गाय चराते 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 बड़ी दूर निकल गए थे प्रभु, कंस ने एक राक्षस को भेज दिया जिसका नाम है अघासुर। अघासुर अब ध्यान से बैठ जाएं, कथा श्रवण करें। अघासुर जो है ये अजगर का रूप लेके आया और ऐसे जंगल में आया जिस जंगल में मेरे गोविंद गाय चरा रहे थे। अजगर का रूप लेके आया और विशाल मुंह फैला करके इस ब्रज के जंगल में बैठ गया। भगवान आगे चले गए थे, ग्वाल बाल गाय चरा रहे थे। जब गाय चरा रहे तो दूर से दिखाई दिया, एक ब्रजवासी बोलो भैया ये क्या है? एक बोलो दारी के तू नहीं जाने, ये संतन की गुफा है, चलो दर्शन कर लो। अजगर के मुंह में जाने लगे, अजगर के दांत लंबे लंबे होते हैं। एक बोलो ये क्या है? बोले तू जाने ना है, ये संतन की गुफा में खुंटिन की व्यवस्था है, अपने अपने झोला डंडा टांग दो, सबने अपने अपने झोला डंडा टांग। अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जीभ गुदगुदी होती है अजगर की। अब प्रवेश किया तो एक बोलो ये क्या है? एक बोलो लाला तू जाने ना है, या संतन की गुफा में ब्रज में ये गद्दन की व्यवस्था है, कांटे ना लगे, ऐसे ही हो गए, और हम तो पहली बार आए ना वृंदावन में, तो तू जाने ना है तारीखे, ये ब्रज में बड़े बड़े संत रहे हैं, बड़े बड़े महात्मा यहाँ रहे हैं, और ब्रज मंडल में तो बड़ी महिमा है लाला। अजगर का मुंह अंदर से लाल लाल होता है। एक बोलो ये क्या है? बोलो तू नहीं जाने, ये लाइट की व्यवस्था है, एक दूसरे को मोहलो चमकते रहे। सारे ब्रजवासी अंदर चले गए। अगासुर बोला इनको नहीं मारूंगा,
जिसे मारने आया हूँ वो तो अभी आया ही नहीं है, पर भक्तों के बगैर भगवान रह कर सकते थे? ग्वाल वालों के बगैर कैसे रह सकते? मेरे गोविंद आए और प्रवेश कर गए, अजगर ने मुंह बंद कर लिया। भगवान भगवान अजगर ने मुंह बंद कर लिया, सबकी सांस रुकने लगी। हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। भगवान तो छोटा बनना आता है तो बड़ा भी बनना आता है भाई, वो छोटे हो जाए वो बड़े बन जाए वो तो शक्ति है परमात्मा। अब भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाना शुरू किया, शरीर को बढ़ाते 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 इतना शरीर को बढ़ाया जितनी देर में आंख का बल लगता है, शरीर को विशाल बढ़ाया और बीच में से अजगर को पकड़ लिया। मेरे गोविंद ने एक पल में बीच में से अजगर को गोविंदाय नमो नमः चीर दिया, ब्रजवासियों को बाहर निकाल दिया। गाय चरा रहे, चराते चराते भूख लगी, सब अपना अपना भोजन ले गए। कन्हैया ने मनसु का टेंटी को अचार ले गए, भगवान टेंटी के अचार छीन के खा गए और आदेश कर दिया, आज का जो भोजन होगा मेरा मधुमंगल के यहाँ का होगा। मधुमंगल कछु नहीं लेके गयो, ये बड़ो गरीब है, है? बड़ो गरीब है। अब तो दौड़ा दौड़ा भगा, ओ मैया आया घर पे आया, मैया कहाँ है? मैया आज का नहीं आने, मुझसे भोजन मांगो है। भोजन? हाँ। तेरे घर तो कुछ है नहीं, क्या लेके जाएगा? मैया आज मैं लेके जाऊंगा, मैया आज आज हमारे कन्हैया ने मुझसे कहा आज को भोजन मधुमंगल के यहाँ को होगा। कछु दिखाई नहीं दे, तीन दिन पहले की कड़ी रखी दिखाई दी, मटका में रखी थी, तीन दिन पहले की कड़ी रखी हुई दिखाई दी। अब मटकी को लेके उठा के दौड़ लिए गोविंद की तरफ। अब मटकी को दौड़े दौड़े भगे भगे जा रहे, रास्ते में रुक गए, नहीं नहीं खट्टी हो गई होगी, कुछ नहीं खाएगा, वो मिश्री खाने वाला है, माखन खाता है। अब रास्ते में रुक करके झाड़ी के पीछे कड़ी को पीने लग गया। अब बहुत देर हो गई, कन्हैया ने देखा मधुमंगल नहीं आया, अब पीछे मुड़ के देखा तो मटकी में लगी थी। अब कन्हैया दौड़े दौड़े आए, कन्हैया दौड़े दौड़े आए और आकर के आज फटाक से मटकी को छीन लिया। मटकी में कड़ी नहीं मिली, इसके होठों पे कड़ी लगी थी, नाक पे कड़ी लगी थी, गाल पे कड़ी लगी थी। मेरे गोविंद ने नीचे बैठाया और आज मधुमंगल के गालों पे से, होठों पे से, नाक पे से कड़ी को चाटना प्रारंभ कर दिया। चाटने लगे, ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे हैं, ये भगवान भगवान नहीं है, भगवान हो तो झूठी कड़ी खाता हूँ, परीक्षा करता हूँ। ब्रह्मा जी आए और आके ग्वाल बाल बछड़ों को चुरा के ले गए ब्रह्मलोक में। ध्यान से सुनना, ब्रह्मा जी ग्वाल बालों को चुरा के ब्रह्मलोक में ले गए, बंद कर दिया। ये ग्वारिया सच्चो भगवान हो तो जान जाएगो, नहीं ग्वारिया इनके बिगड़ मर जाएगा। अब एक महीना हो गया, भगवान ने आज देखा तो ग्वाल बाल बंद थे, मेरे गोविंद ने माया रूपी ग्वाल बाल प्रकट किए शरीर से, ग्वाल बाल प्रकट किए माया रूपी, वृंदावन में रहने लगे। एक महीना हो गया, ब्रह्मा जी सोचने लगे, देखो तो सही ग्वारिया की हालत क्या होगी। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक के वृंदावन में आए और कन्हैया ब्रह्मा जी का रूप लेके पहुंच गए ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी वृंदावन में आए और भगवान वृंदावन से ब्रह्मा जी का रूप लेकर पहुंच गए ब्रह्मलोक में। डोनी वालों ने मना, डोनी वालों से मना कर दिया, कोई अंदर ना आए, और अंदर आए तो रोक देना, यह नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं भैरूपिया। बैठ गए, ब्रह्मा जी को कहीं नहीं मिले तो थक करके ब्रह्मलोक में आने लगे। डौड़ी वालों ने रोक दिया, खबरदार अंदर गए तो। ब्रह्मा जी बोले, अम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं।
वाल डोनी वान बोले तुम ब्रह्मा नहीं हो, तुम तो नकली रूप लेके आए हो, तुम तो भैरूपिया हो, तुम तो रूप लेके आए हो, असली ब्रह्मा तो हमारे अंदर बैठे हैं। वो कह के गए थे या भैरूपिया बड़े घूमते हैं, कोई मेरा ही रूप लेके आ जाए। नहीं 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 नहीं, अंदर नहीं जाओगे। ब्रह्मा जी बोली कौन सी लीला है। ध्यान लगाया तो बैठे बैठे मुरली बजा रहे हैं, बैठे बैठे बंसी बजा रहे हैं। ब्रह्मा जी नतमस्तक हो गए। प्रभु मैं क्षमा चाहता हूँ, जिसकी लीला ब्रह्मा ना जान पाए, जिसकी लीला नारद ना जान पाए, उसकी कथा आप सुन रहे हैं, आपसे बड़ा कोई सौभाग्यशाली नहीं होगा। ऐसा अद्भुत भाव है, ब्रह्मा जी का मर्दमान मर्दन कर दिया, इस अभिमान को हटा दिया। मेरे गोविंद तो बड़े दयालु हैं। बोलो राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कुछ भक्त हैं, रजनी गुलाटी जी, प्रांत संचालिका, राष्ट्र सेविका समिति, आप मंच पर आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें, और जो भी सहपाठी हों। और एक विशेष सूचना है, कल की कथा में, कल की कथा में महाराष्ट्र में रासलीला की प्रस्तुति उत्तर भारत की सुप्रसिद्ध पार्टी मधुवन आर्ट्स द्वारा दी जाएगी, तो ज्यादा से ज्यादा आप संख्या में पहुंच करके इस रासलीला का आनंद लेंगे। कल की कथा में महाराज की जो कथा होगी, जो रासलीला होगी, उसकी प्रस्तुति उत्तर भारत की सुप्रसिद्ध पार्टी मधुवन आर्ट आर्ट्स द्वारा दी जाएगी, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पहुंच करके भगवान श्री श्याम के महाराज का आनंद लेंगे। और जो भी भक्तगण कथा से वंचित रह रहे हों, तो वह आप जितने भी हैं अपने पड़ोसियों को भी लेकर के आए। कल की कथा बहुत ही सुंदर है, आइए कथा की तरफ चलते हैं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। ब्रह्मा जी का मान मर्दन कर दिया, भगवान इधर वृंदावन में रहते हैं। भगवान ने एक लीला और की सूक्ष्म में, जिसे कालिया मर्दन की लीला कहते हैं, कालिया मर्दन की लीला कहते हैं। वृंदावन भगवान रहते हैं। आज तो उस प्रदोष मधुमंगल श्री दामा से बोले, आज से कुछ नया खेल खेलेंगे, नया खेल खेलेंगे, जैसे गेंद बल्ला का खेल खेलते। भगवान बोले जमुना के किनारे खेलेंगे। ये नया खेल खेला मेरे गोविंद ने, ये नया खेल नहीं, नई लीला गोविंद ने की। आज मेरे प्रभु, आज जमुना के किनारे गेंद बल्ला का खेलने के लिए आए। श्री दामा की बॉल है, जो बॉल खोएगा वो बॉल लेके आएगा। भगवान को जमुना में जो कालिया नाग रहता है, उसको पवित्र करने के लिए लीला कर रहे हैं मेरे गोविंद। बड़ा विषैला है, जमुना का जल विषैला हो गया है। भगवान बोले अब श्री दामा की बॉल है, मेरे गोविंद के हाथ में बल्ला लगोए। काली दे पे खेलने आयो रे, मेरो बारो शोक नहीं, बारो शोक नहीं आ, मेरो बारो शोक नहीं आ, काली दे पे खेलने आयो रे, बारो शोक काहे की पट गेंद बनाई, और काए को बल्ला लायो रे, बारो सो कन्हैया काली दे पे खेलन, रेशम की पट गेंद बनाई, ये चंदन को बल्ला लायो रे, बारो सो कन्हैया मारी टोल गेंद गई दे में, वो तो गेंद के संग ध्यायो रे, बारो सो कन्हैया काली दे पे खेलन आयो रे, बारो सो कन्हैया
भगवान के हाथ में बल्ला लगा। श्री रामा जी ने जैसी बॉल को फेंका, मेरे गोविंद ने बल्ला को बहुत तेज घुमाया, इस बॉल को बीच जमुना में पटक दिया, डाल दिया जहाँ कालिया नाग रहता है। श्री रामा जी रोने लगे, वही बॉल चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। भगवान बोले नहीं बनवा देंगे। श्री रामा जी बोले नहीं नहीं अभी चाहिए, वो तो अभी चाहिए। श्री रामा बोलो वो अभी चाहिए। ओहो दारी के तू यशोदा को बेटो है, हाँ सरकार है हमारे, हमें अभी चाहिए। भगवान बोले ठीक है। कदम के पेड़ पर मेरे गोविंद चढ़ गए और कदम के पेड़ पे आज मेरे गोविंद ने ऊंची जहां से बड़ी ऊंची छलांग लगाई, कालिया नाग रहता है बीच जमुना में, मेरे गोविंद कूद गए। आप जब परिक्रमा करते हैं ना वृंदावन की, तो वहां पर काली रह है बीच जहाँ मेरे गोविंद ने इस कालिया मर्दन की लीला का दर्शन कराया है। वहां जब मानी आज वहां भी कदम का वृक्ष है जहाँ से भगवान कूदे हैं। अब तो जमुना जी कुछ दूर चली गई हैं, पहले बहुत नजदीक थी और जमुना जी का बड़ा सुंदर अवसर था। अब तो जल भी वो हो गया है, दिल्ली के लोगों ने जमुना को दूषित कर दिया है, दूषित हो गई है। नहीं जमुना जी बड़ा शुद्ध थी। बोलो राधे राधे। आचार्य वर्णन कर रहे हैं, अब मेरे गोविंद आज जैसे बीच में कूदे, कालिया नाग सो रहा है, नाग पत्नी सेवा कर रही है, नाग पत्नियां सेवा कर रही हैं। आज जैसे भगवान कूदे, नाग पत्नियों ने देखा छोटा सा बालक, हे तुम यहां से बालक चले जाओ। बोले क्यों? बोले हमारे पति जग गए। भगवान मन ही मन सोच रहे हैं, मैं उन्हीं से तो युद्ध करने आया हूँ, मैं उन्हीं से युद्ध करने आया हूँ। भगवान जैसे आगे प्रवेश किया, कालिया माँ फुंकार मार के खड़ा हो गया, भगवान से बदन के लिपट गया, भगवान के सारे बदन से लिपट गया, जहर उगलने लगा, नाग पत्नियां चंडों में गिर गई। हे कृष्ण हे कृष्ण, भगवान आज छोटे थे बड़ा बनना शुरू कर दिया। कालिया को नाथने के लिए मेरे गोविंद ने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया, बढ़ाते 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 कालिया नाग की एक एक नस ढीली कर दी, रक्त उगलने लगा, नाग पत्नी चरणों में गिर गई। श्याम सुंदर ते दास्यम, हे कृष्ण हम आपकी दासी हैं, हमारे अपराध को क्षमा करें। भगवान ये जहर की जगह रक्त उगलने लगा और इसको नाचना प्रारंभ कर दिया है। भगवान ने नाचना प्रारंभ कर दिया और नाचते नाचते बोले हे कालिया नाग तुम यहाँ से चले जाओ। बोले कहाँ जाऊं? बोले तुम रमणव द्वीप में जाके वास करो, तुम रमणव द्वीप में जाके वास करो। प्रभु गरुण है, वो गरुण मुझे खा जाएगा, मुझे गरुण से भय है, वो मुझे खा जाएगा। भगवान ने सीधा पग लिया और सीधा पग लेकर आज कालिया के पीठ पर स्थापित कर दिया। बोले जाओ, आज से तुम्हारा गरुण कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो कालिया पीठ पे आज भी, आज अगर देखोगे फन वाले नाग पर मेरे गोविंद का आज भी पग चिन्ह बना हुआ है, आज भी बना हुआ है, कालिया नाग पर आशीर्वाद दे दिया, आज से तुम्हारा कालिया माने गरुण कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज मेरे गोविंद नाग को नाथ करके और आज कालिया के नाग पर नृत्य करते हुए मुरली बजाते हुए मेरे गोविंद जमुना के बाहर आ रहे हैं। भगवान का रंग काला था और काला हो गया, और काला हो गया। कालिया को मेरे गोविंद ने नाथा है, क्यों? बोले जमुना के जल को शुद्ध करने के लिए भगवान ने लीला की। तो भगवान को नाम क्या पड़ गया? बोले कालिया मर्दन भगवान की जय। जय बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। और काला पड़ गया, मुरली बजाते जैसे जमुना के बाहर आए, यशोदा नंद बाबा सबने देखा आज मेरे गोविंद को दर्शन कर लिया। मेरे भगवान किसी को मारते नहीं,
आज मेरे भागवत के अनुसार इस ब्रज में जितनी भी लीला कर रहे हैं भगवान सभी के कल्याण कारक लीला कर रहे हैं। एक लीला और की मेरे गोविंद ने, जैसे चीर चोर कहते हैं, आचार्य सुखदेव जी वर्णन करा रहे परीक्षित, गोपियां स्नान कर रही थी नर्मदा में, भगवान आए और सभी के वस्त्रों को चुरा के ले गए, कदम के पेड़ पर चढ़ गए, कदम के पेड़ पर अलग अलग वस्त्र ने टांग दियो। अब भगवान गोपियां स्त्रियां जब स्नान करके बाहर आई तो देखा तो वस्त्र नहीं, इधर उधर देखा तो ऊपर मेरे गोविंद वस्त्र ने लेके बैठे, अब ऊपर देखा तो है कन्हैया हमारे वस्त्रों को लौटाओ। कन्हैया बोले हम पे तुम्हारे वस्त्र ना आए। एक गोपी बोली लटक तो रहे, कन्हैया मुस्कुरा के बोले ये तो हमारे कदम पे बड़ा वाला फूल आया है, हरो गुलाबी नीलो पीलो, हम पे वस्त्र ना आए, ये तो हमारे कदम पे फूल आया है। अब गोपियां बैठ गई, श्याम सुंदर तेरा शंकर महापिव तमोदितम, हे कृष्ण हम तो सब आपकी दासी हैं प्रभु, हमारे वस्त्र को लौटो। कन्हैया बोले देवियों तुमने एक पाप किया है। बोले क्या? बोले स्त्रियों को कभी जल में नग्न होके नहीं नहाना चाहिए, इसमें वरुण भगवान रहते हैं जल में, नदी में गंगा में जमुना में माताओं को नग्न होके नहीं नहाना चाहिए, पाप लगता है, वस्त्र सहित रहना चाहिए, गंगा जमुना में साबुन में नहीं लगाना चाहिए। आजकल के लोग शैम्पू करते हैं जमुना गंगा जी में जाके, और गंगा जी में जब स्नान करने जाओ तो घर से नहा के जाओ, घर से पवित्र होकर के जाओ। अब बहुत से क्या होते हैं उठ के चल दिया, सोच इत्यादि वही होते हैं जमुना जी गंगा जी में नहाते नहीं, बोले घर से पवित्र होके गंगा जी में प्रवेश करो, गंगा स्नान करो। अब क्या करते हैं लोग, पानी भरा और गंगा जल ऊपर से डाल देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले गंगा जल डालो तब पानी डालो। कभी पानी में गंगा जी डाली जाती है, गंगा जी में तो पानी डाला जाता है, आप पहले गंगा जल डालोगे फिर पानी डालोगे तो वो गंगा जल हो जाएगा, और पानी पहले डालोगे गंगा जल बाद में डालोगे तो पानी रहेगा। गंगा में पानी डालने से पानी गंगा जल हो जाता है, ना कि गंगा जल में पानी डालने से गंगा जल होगा। पहले खाली बर्तन में गंगा जल लें तो पानी डालें, वो गंगा में हो जाता है, वो गंगा जल हो जाता है। जो व्यक्ति गंगा में गोता लगा के हर हर गंगे कहते हैं, मेरी गंगा मैया उनके पापों को धुल लेती है, मरने के बाद अस्थियों को बहा देते हैं, गंगा मैया उनके पाप धुल लेती है। इसलिए देवियों तुमने पाप किया है, जगन पाप किया है, अपराध किया है, भगवान दासियों ने चरणों में निवेदन कियो, और निवेदन करके मेरे गोविंद को पायो, और पाकर के मेरे गोविंद को आज आज उन सब दासियों ने उन सब देवियों ने मेरे गोविंद के चरणों में निवेदन करके अपराध को क्षमा मांगो, मेरे गोविंद ने वस्त्र का धारण करके लौटाया है। तेरी गोविंद का नाम यहाँ क्या पड़ गया? बोले चीर चोर भगवान की। भगवान वस्त्रों को हटा के मिलते हैं जीवात्मा से, जीवात्मा का शरीर का संबंध चाहे भले किसी से हो जाएगा, आत्मा का संबंध तो केवल परमात्मा से होता है। शरीर को भोजन की आवश्यकता है, आत्मा को भजन की आवश्यकता है। भोजन नहीं करोगे शरीर कमजोर होगा, भजन नहीं करोगे तो आत्मा कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए आत्मा को भोजन चाहिए तो भजन करो, शरीर को बोले भोजन करो, यह आनंद है। भगवान गोपियों ने कात्यायनी की पूजा की, मैंने कल कहा था ना चार चीज वृंदावन में आज भी है भगवान के समय की है, कात्यायनी का मंदिर, गोपेश्वर, निधवन और जमुना का जल। वृंदावन जाए गोपेश्वर जाना, मेरे मेरे शंकर जी आज भी शाम को गोपी बनते, आज भी गोपी का रूप धारण करते। कल कथा होगी रास की, तो कात्यायनी महामाये
जिन देवियों का बेटियों का जल्दी विवाह नहीं होता है, उनके विवाह में कोई ना कोई परेशानी आती है। जब बहुत दिन हो गए वर नहीं मिल रहा हो तो वो इस श्लोक का 108 माला डेली करें। मैं सच कहता हूँ, 2 महीना के अंदर वर की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण जैसा वर मिले। कात्यायनी महामाये महायोगिन्द्रेश्वरी नंद गोपी सुतम देवी पतिमे कुरते नमः। ये श्लोक है कात्यायनी महामाये महायोगिन्द्रेश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिमे कुरते नमः। इस श्लोक का जो जो नित्य पाठ करता है देवी भगवान बोले हैं, बोले उसको कृष्ण जैसा ही वर की प्राप्ति होती है। इन गोपियों ने कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए कात्यायनी को पूजा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोय जाके सिर मोर मुकट मेरो पति सोय। मेरा पति हो, वो मेरा पति हो। वास्तविकता एक बात बताऊं, पति तो साक्षात ही कृष्ण है। दुनिया के पति साथ छोड़ सकता है, पर जिसने जिसने भी कृष्ण को पति माना है, मेरा गोविंद उसका कभी साथ नहीं छोड़ता है, वो दामन पकड़ता है। हम जितने बैठे हैं पुरुष या स्त्रियां, हम सबका पति तो केवल कृष्ण है। प्रिया प्रिया पुरुष है तो एक है कृष्ण, बाकी तो सब स्त्रियां हैं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। हाथ उठे आधे कछुआ छाप झला और मच्छर भगा, और सीधे करो राधे राधे। बोलो राधे राधे। बैठ जाओ। भगवान का बड़ा अद्भुत भाव है। आचार्य श्री सुखदेव जी कह रहे हैं मेरे गोविंद ने बहुत सुंदर लीला की। एक लीला और की है जिसे आज जो मेन पूजा होगी श्री गिरिराज पूजा 56 भोग का दर्शन अभी होगा। आचार्य श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं परीक्षित। मेरे गोविंद ने ब्रज में अनेक लीला की, माने पूतना का वध किया, त्रिना व्रत का वध किया, आकाशसुर का वध किया, बगासुर का वध किया। मेरे गोविंद ने भगवान ने सबका कल्याण किया है। जो भी आता है खिलौना समझ के तोड़ देते हैं मेरे माधव। आचार्य सुखदेव बोले परीक्षित बड़ी सुंदर कथा है, मेरे गोविंद ने बहुत सुंदर लीला की जिसे गिरिराज जी लीला कहते हैं। अभी दीपावली हुई है और सब सबके यहाँ गिरिराज जी की पूजा होती है। हमारे ब्रज में बड़ा सुंदर सुंदर बड़े बड़े गोवर्धन बनाए जाते हैं। आचार्य सुखदेव बोले परीक्षित कार्तिक मास का महीना आया। एक दिन की बात है, माँ यशोदा जलेबी लड्डू बालूशाही इमरती कचौड़ी पकौड़ी रसगुल्ला लाभसी समोसा खुरचन खीर मोहन खीर खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही मनोहर थार माव बेटी पेढ़ा रसगुल्ला भुजिया नमकीन गठिया शक्ल पारे सब आइटम बना रही थी। मेरे गोविंद आज छोटे हैं, मेरे गोविंद को आज इस भोजन की सुगंध आई तो आज मेरे प्रभु जी अपनी माँ यशोदा के पास उठकर के आंखों को मिटते मिटते आए। मैया मोकु तो बड़ी तेज भूख लगी है, खावे के ताई कछु दे। लाला आज तो जय जय होगी। जय जय हाँ अच्छा मैया ही जय जय का हो गए। ये जय जय कौन कौन है? सबसे बड़ो जय जय मैं, सबसे बड़ो जय जय मैं, और मोते बड़ो जय जय। वृंदावन में कौन आएगा? ये मैया जय जय का हो है। ये जय जय काय को कह मैं, यशोदा बोली ला दिख मैं बूढ़ी वाड़ी हूँ दिखे ना भारे। तू अपने बाबा ते मूड़ मारी हो नंद बाबा के चौपार पे बैठो हो। चलो जाओ अब दौड़े दौड़े आए कृष्ण। बाबा बाबा हाँ भैया बाबा आज काहे रहे हो? भैया आज जय जय होगी। छोटे बच्चों से कहते ना जय जय होगी। अब यशोदा से कृष्ण से बोली जय जय होगी। नंद बाबा बोले जय जय होगी। लाला आज जय जय होगी। बाबा जय जय काय को कह मैं? बाबा बोले परिजनो भगवान इंद्र मेघा नाम शरा। परिजनो भगवान इंद्र भैया
आज पूजा हमारे इंद्र की होगी। क्यों बाबा? भैया हरी भरी घास होवे, बारिश होवे, बारिश के बाद हरी भरी घास होवे, हरी भरी घास होवे गैया चुगे, वाके बाद मनन दूध देवे, वाके बाद दही दूध होवे, वाके बाद तो कुखावे के टाइम है। कृष्ण और यशोदा का जो प्रेम है, यशोदा कौन थी? नंद बाबा और यशोदा ये पूर्व जन्म में द्रोण नाम के बसु थे, बसुओं में बसु द्रोण नाम के बसु थे, ब्रह्मलोक में रहते थे। एक बार की बात, श्री ब्रह्मा जी ने द्रोण नाम के बसु से कहा, यशोदा नंद बाबा पूर्व जन्म में बसुओं में बसु द्रोण नाम के बसु थे, ब्रह्मलोक में रहते थे। तो ब्रह्मा जी ने किया, ब्रह्मा जी बोले तुम ब्रज में जाके गोपालन करो, गोपालन करो, दो वरदान दे दो। कौन सा? पहला वरदान दे दो कूट कूट के भक्ति भर जाए, और दूसरा वरदान है हमारे घर स्वयं कृष्ण, हमारे घर स्वयं नारायण को बेटा बन के आना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। तो द्रोण नाम के जो वसु थे वो ब्रज में आकर के नंद और यशोदा बने, जिनके घर भगवान का प्राकट हुआ, जिनके घर गोविंद अवतार लेकर के आए, जिनके यहाँ माधव लीला करने के लिए भगवान इस गोकुल में आए हैं। यशोदा का जो दुलार है बड़ा स्नेह है, माँ यशोदा अपने कृष्ण से बड़ा प्रेम करती है। अब बाबा से बोले, बाबा ये तो कर्म की पूजा होती है, कर्मणा जायते जंतु कर्मणा मिलीयते सुखम दुःखम भयम क्षेमा कर्मणा विपद्यते। ये तो कर्म की पूजा होती है भैया। बाबा कर्म की पूजा होवे, जी जो जीव जैसो करे भगवान वाकु ऐसे ही फल दे देता है, ऐसा ही फल दे देता है, ये तो कर्म की पूजा है। आज कह रहे हो कि आज तुम इंद्र की पूजा करोगे? बोले भैया सारो ब्रजवासी इंद्र को पूजा है, सारो ब्रजवासी इंद्र की पूजा करता है। भगवान बोले एक काम करो, तुम या ब्रज मंडल में सबको पंचायत कर लो और सबन को बुला लो। भगवान बोले क्या? हाँ, सबन ने बुला ले, और सबन के सामने ये बात रखियो कि हमारो लाला कह रहे हो आज इंद्र की पूजा ना हो, कि आज तुम श्री गिरिराज जी की पूजा करो। गिरिराज जी बोले हाँ। अब ये कौन जाने, जो पृथक गिरिराज जी है वो तो हमारे बीच में ही खड़े हैं। यही तो गिरिराज जी है, यही गोवर्धन है, यही गोपाल है। ये तो हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। वो तो हर जगह हर देश में भेष में सोना होता है, और सोने की ईंट में से कुंडल भी बनाया जाता है, झुमकी भी बनाई जाती है, अंगूठी भी बनाई जाती है, तगड़ी भी बनाई जाती है, कंग चूड़िया भी बनाई जाती है, पेंडल भी बनाया जाता है, और इन सभी को एक जगह मिला के कूट दोगे तो क्या होगा? बोले सोना तो सोना ही हो जाएगा। ऐसे ही भगवान है, भगवान ऐसे ही विद्वान है, वो नई नई रूप लेकर के आते हैं, हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, योग साधन के बिना यहाँ उसे कोई पाता नहीं। वो तो आ जाते हैं भगवान, आ जाते हैं, दरबार हजारों देखे हैं, ऐसा कोई दरबार नहीं जिस गुलशन में तेरा नूर न हो, यहाँ ऐसा तो कोई गुलजार नहीं। दुनिया से भला, दुनिया से मांगना बंद कर दो, दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो खुद ही भिकारिन है, मांगो मेरे मुरली वाले से जा होता कभी इनका।
वो नेत्र नहीं मोर पंके हैं वे जिनमें प्रभु का दीदार न हो, यहाँ वो दिल पत्थर होता है जिस दिल में प्रभु का प्यार न हो। हसरत है तुमसे ओ मोहन जिस वक्त मेरा ये दम निकले, तेरा एक इशारा काफी है और मुझे दरकार नहीं। बस तू मेरे सामने हो और मैं तेरे सामने खड़ा हूँ कृष्ण, बस ये मेरा प्राण निकल जाए, दम निकल जाए तुम मेरे सामने हो करके। भगवान करें ऐसा दरबार है, अलौकिक दरबार है। यहाँ जो भाव से आ जाता है, एक स्त्री राजस्थान की रहने वाली थी, एक बार बांके बिहारी के दर्शन करने वृंदावन में आई। बड़ी सुंदर थी, बड़ी दिव्य लगती थी और भगवान के दर्शन करने सीधी पैदल आई थी, पैदल चली आई। बांके बिहारी के दर्शन करने वृंदावन में आई। अब जब दर्शन कर रही थी, दर्शन जब कर रही थी तो बांके बिहारी उसको देख रहे थे और वो बांके बिहारी को निहार रही थी। बहुत देर हो गई, ये भक्तमाल की कथा है, भक्तमाल में वर्णन आया है। बहुत देर हो गई, अब वो देखते देखते भगवान को निहार रही थी, उस रूप को अपने हृदय में उतार रही थी। भगवान उसको देख रहे थे, वो भगवान को देख रही थी। अब वो स्त्री जैसी दर्शन करके चली तो बांके बिहारी उठ करके पीछे पीछे चलने लगे। बांके बिहारी पीछे पीछे चलने लगे, ये रुक जाए दो बात कर लो, ये रुक जाए तो दो बात कर लो, ये रुक जाए तो दो बात कर लो। चलते 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 राजस्थान पहुंच गई, घर में प्रवेश कर लिया, दरवाजा बंद कर लिया। भगवान उसके घर की चौखट पर बैठ गए, कभी तो बाहर आएगी, कभी तो दो बात होंगे, कभी तो आएगी, कभी तो मिलेगी, कभी तो बाहर आएगी, कभी तो दो बात होंगे। संध्या की वेला हो गई, शाम के बज रहे थे छह, संध्या हो गई जैसे अब हो गई है। संध्या हो गई थी, कुछ काम से वो स्त्री बाहर आई और जैसे दरवाजा खोला तो क्या देख रही थी, बांके बिहारी बैठे बैठे रो रहे थे, टप 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 आंसू बह रहे थे। स्त्री उसको देख के, भगवान को देख के रो रही थी, वो भगवान स्त्री को देख करके रो रहे थे, कह कुछ नहीं रहे थे। आज देवी ने मेरे गोविंद को देखा, बहुत रोने लगे, पहली बार रोई। आज जैसे रो रहे थे मेरे गोविंद ने, आज कुछ देवी को ना कुछ बोला, अपने हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। आज देवी ने भगवान के लिए सदर प्रभाव कर दिया और जयपुर के पास बहुत सुंदर मंदिर स्थापित कर दिया जिसे गोविंद देव के नाम से जानते हैं। जयपुर के पास बहुत विशाल मंदिर है गोविंद देव का, बहुत बड़ा मंदिर है। अब तो सब लोग वहां जाने लगे, सब जाने लगे, बांके बिहारी का दर्शन होने लगे। अब वृंदावन में श्री हरदास जी महाराज हुए, हरदास जी ने श्री बांके बिहारी को प्रकट किया और प्रकट करके तब मेरे गोविंद का दर्शन हुआ। तभी से गोविंद को पर्दा लगाया जाता है, जब से बार बार पर्दा किया जाता है बांके बिहारी को, कहीं फरीदाबाद का भक्त ना पहुंच जाए, मेरे बांके बिहारी कहीं आ नहीं आ जाएं, इसलिए बार बार पर्दा बांके बिहारी करते, तब से पर्दा लगाया जाता है। आप कभी वृंदावन में गए हो तो वहाँ पंडा जो है, जो गोस्वामी है, वो बार बार पर्दा करते रहते हैं, बार बार करते रहते हैं, कहीं भगवान यहाँ से चले ना जाएं, तब से पर्दा का दर्शन हो रहा। तो भगवान बोले, बोले भक्ति में होकर के भगवान सर्वस्व भूल जाते हैं, भक्त के लिए अपना मान भी टल जाए, तो ये भक्ति है। तो ब्रज में जो कथा की हो रही है, भक्ति की हो रही है, प्रेम की हो रही है। अब भगवान है, बोले आज हमारे गिरिराज जी की पूजा करो। सारे ब्रजवासी आ गए, आधे ब्रजवासी मान गए, आधे नहीं माने। एक बोलो ये तो नंद बाबा या छोटे से ब्रजवासी की माने, छोटे से कृष्ण की मानता है। कन्हैया बोले, बाबा वृंदावन के एक बंदरिया लूट जाए तो वृंदावन सुनो थोड़ी है जाए। अब सारी ब्रजवासी गिरिराज जी की तैयार हो गए। हमारी शर्त है लाला, कौन सी? पहली शर्त है, गिरिराज जी को हमारी टूटी फूटी सेवा को स्वीकार करना पड़ेगा।
भगवान बोले ठीक है। और दूसरी शर्त है, बोले जो भी इंद्र रूठ जाएगा वाकू मनाने को काम त्रिगिरिराज जी करेगो। भगवान बोले ठीक है। और तीसरी शर्त है, बोले प्रत्यक्ष है के दर्शन भी देने पड़ेगो। भगवान बोले ठीक है। अब ये कौन जानो जो बोले गिरिराज जी तुम्हारे बीच में ही खड़ो है। अब सारी ब्रजवासी तैयार हो गए। अच्छा भैया तेरो गिरिराज जी खावे का है, अलग अलग देवता अलग अलग भोग है, तेरो गिरिराज जी प्रसाद क्या लेगो। भगवान बोले जो तुम स्वीकार करके दे दोगे, जो प्रेम से खिला दोगे वो खा लेगा। तुम मैया ने 56 भोग बनाए हैं, खुरचन है खीर मोहन खुरसा और खुरमी है, खीर खजला जलेबी कलाकंद वालू साई है, 56 भोग बनाए हैं। मनोहर थार माप बेटी मसेरु संग पाक है, पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है, रबड़ी भी बनाई है। भुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पारे है, और भुजिया समोसा संग पकौड़ी बनाई है, पकौड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर के आर गिरिराज थार में सजाई है, सुंदर सजाया, 56 प्रकार के भोजन बनाए, बैलगाड़ियों में सामान को लाद लिया, ढोलक मजीरा चिमटा लेकर बैठ गए और सब लोग गिरिराज की ओर आने। अच्छा कौन कौन जाओगे? बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, तुम इतने में अकेलो, जोर से बोलो। आप सब गिरिराज जी चलो, ये सोफा वाले और कुर्सी वाले भी गिरिराज जी के लो, बड़ा आनंद ले रहे हैं बैठ के। अच्छा सोफा के बाद बैठने के बाद तो फिर कहाँ दुनिया भूलना, सब तो आनंद चका चक रहे, ना तो घोटन में दर्द है ना पैरन में, खूब आनंद कथा सुनो। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। आज की कथा विश्राम करते हैं और जिसको पूजन करना है कर लें, और कल भगवान की बड़ी सुंदर अद्भुत कथा का सब लोग दर्शन करेंगे। कल श्री गिरिराज जी की हकीकत कथा भगवान का होगा, बहुत सुंदर दर्शन होगा। कल बहुत सुंदर रास पंचाध्याय की कथा होगी, भगवान की रास की कथा होगी। तो बड़ी सुंदर अभी ज्ञात हुआ है, अभी बताया भी था आचार्य जी ने, दिल्ली से जो बहुत सुंदर जो रास पंचाध्याय रास की कथा माने रास का जो कीड़ा करते हैं, बहुत सुंदर दिल्ली से कल दिव्य झांकी आ रही है, तो बड़ा अद्भुत भाव है। तो कल राजपंच अध्याय होगा, राज की कथा के भार भगवान भले अक्रू जी से मेरे गोविंद को वृंदावन से मथुरा लेने आएंगे, चूलिक मुष्टिक पहलवान का भगवान वध करेंगे, और कल भगवान उस कुब्जा नारी का कल्याण मेरे गोविंद कल करेंगे, और कल मेरे गोविंद कंस का मर्दन करेंगे। कल कंस का मर्दन करके भगवान गोपी उद्धव संवाद का दर्शन होगा, गोपी उद्धव की कथा होगी। कल भगवान जरासंध से युद्ध करेंगे भगवान, और जरासंध युद्ध करने के बाद कल भगवान द्वारका के राजा बनेंगे। बोलो राधे राधे। तो कल भगवान द्वारका के राजा बनेंगे, और कल मेरे गोविंद का रुक्मणी के संग भगवान का विवाह होगा। बराती कौन कौन आओगे उनके? भगवान की सब बरात का दर्शन होगा, और कल जो पीछे गेट है ना वहां से बरात चल के आएगी, बढ़िया घोड़ा बग्घी सब तैयार हो गए हैं, कल मेरी गोविंद की बरात चढ़ेगी। और हम जहाँ भी कथा करने जाते हैं वहाँ भगवान का ये उत्सव बहुत मेन होता है, तो ये उत्सव बहुत बड़ी धूमधाम के साथ मनाएंगे, सब रेडी होके आएंगे। और कल प्रभु मेरी रुक्मणी का कन्यादान होगा, जैसे अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं, सोने से चांदी से वस्त्र से भंडार से धन से, उस साथ में कुछ ना कुछ कन्यादान के लिए सब लोग लेके आए, भगवान को अर्पित करेंगे। और भगवान रुक्मणी का कल अभी कोई प्रसाद नहीं बांटेगा, बाहर आरती से पहले प्रसाद नहीं बांटेगा, तो भगवान वंदन कराएंगे। कल बने रुक्मणी के संग विवाह होगा, कल बहुत धूमधाम के साथ रुक्मणी मंगल होगा, सब रुक्मणी के लिए कन्यादान के लिए कुछ न कुछ भगवान को समर्पित करेंगे। तो उस भगवान के लिए दर्शन करने के बाद भगवान सब लोग बराती बन के आनंद करेंगे, और कल रुक्मणी का कन्यादान सब लोग बड़ी धूमधाम के साथ मनाएंगे।
क्या नाम? मधुबन आर्ट्स जो दिल्ली से बहुत फेमस, तो वो कल राजपंत अध्याय राज की कथा लीला होगी, तो वो झांकी लेकर के पधारेंगे, तो कल बहुत सुंदर कथा होंगी, बहुत बहुत, और परसों कथा का विश्राम हो जाएगा, तो कल और परसों की कथा है। बाकी तो आप सबको अपने घर में रोज रहना है, यहाँ रोज नहीं आओगे, रोज भगवान की कथा नहीं मिलेगी, तो इसलिए आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा कल पूरा पंडाल चक होना चाहिए, और कल भगवान गुलाब की फूलों की भगवान की होली भी होगी, बहुत सुंदर अवसर, बहुत सुंदर राधा और कृष्ण का बहुत होली होगी, और रुक्मणी के संग भगवान का विवाह होगा, तो बड़ी धूमधाम के साथ इस विवाह में तैयारी अभी से चल रही है, आज से पूरी रात्रि तैयारी होंगी भगवान के कल के लिए, बहुत सुंदर दोबारा पंडाल की तैयारी होंगी, और जैसे अपनी बेटी का विवाह कन्यादान करते हैं ठीक उसी प्रकार महारानी रुक्मणी का कन्यादान आप सब लोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पधार के दर्शन करेंगे, आइएगा, सब खड़े हो जाएंगे और भगवान की आरती, गिरधर गोपाल की आरती करेंगे। राधे, अभी कोई जाएगा नहीं बगैर आरती के, जितनी भी ये माताएं आगे खड़ी हैं आप पहले पीछे हो जाइए, थोड़ा सा स्पेस दो आगे, आप एकदम ऐसे आगे चढ़ के आरती करते हो तो ये कलश भी गिर सकते हैं, तो इनसे थोड़ा दूरी बना के रखो। आप मुझे सुनो, मैं क्या करूं, पीछे हटो आप, हाँ पीछे, अभी कोई बाहर से आरती करो, प्रसाद नहीं बांटेगा बिगर आरती के, बोल। अच्छा भैया, अभी कोई प्रसाद ना बांटो, दो मिनट के लिए आरती कर लो, उसके बाद में प्रसाद वितरण हो जाएगा। ओम चंद्रमा मनसो जा जगजो सूर्यो जायता स्रोत्रात् वायुश्च प्राण च मुखादग् निरजायतः एतकुं हविः प्रजननम् मे अस्तु दशवीरकुं सर्वगणकुं सुस्तये आत्मा सनि प्रजा सनि वसु सनि लोक सन्य भय सनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोद्वन्नं वयोरेतो असमा सुधत्ता। अभी कोई प्रसाद नहीं बांटेगा बगैर आरती के, बोले बाकी हरि लाल की। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन कम फसी नाव मेरे तार दो भगवन करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन हो फसी नाव मेरे तार दो भगवन करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन कम फसी नाव मेरे तार दो भगवन कर्म करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान नौन पसी नाव मेरी तार दो भगवान दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया किया मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी
तुझसे का यही है सोचो भगवान, मांग तुझसे का यही है सोचो भगवान, जिंदगी रह तेरे ना कर दी अर्पण, मांग तुझसे का यही सोचो भगवान, जिंदगी जब तेरे ना कर दी अर्पण, मांग तुझसे का यही है सोचो भगवान, जिंदगी जब तेरे ना कर दी अर्पण, मांग तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवान, जिंदगी जब तेरे ना कर दी अर्पण, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, 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 चिंता है तुझको कब संसार की, मन में बसा कर तेरी मोरनी, उतारो में गिर रहा तेरी आरती, में बसा कर तेरी मोरनी, उतारो में गिर रहा तेरी आरती, तेरी कई मगाई संत कर दिया, नारद गुणगान कर देवता, वेद तेरी मई मगाए संत कर दिया, नारद गुणगान करे छेड़ता, वेद तेरी मई मगाए संत कर दिया, नारद गुणगान कर देवता, वेद तेरी मई मगाए संत कर दिया, नारद गुणगान करे छेड़ बिहाता, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, 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 दास राहुल गाय तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मोरनी, उतारू में गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू में गिरधर तेरी आरती, 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 और कर्पूर गौरव करना चार हरे राम 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 हरे राम, ओ हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण, ओ हरे राम 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 हरे राम, ओ हरे राम 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 हरे राम। स्वामी जय श्री गुरुदेवा, तुम्हारी शरण में आकर गुरु जी की शरण में आकर सदा करो सेवा, ओम जय श्री गुरुदेवा, ब्रह्मा विष्णु सदा से तुम सतगुरु मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे, गुरु जी की शरण में आकर भाग जगे मेरे, ओम जय श्री गुरुदेवा, दीन दुखी
के सांबल तुम सब के दाता स्वामी तुम सब के दाता तुम्हारी दया का स्वामी गुरु जी की कृपा का स्वामी हार नहीं पाता ओम जय श्री गुरुदेवा गुरु चरणों में पड़ के पाप उतर जाता ओम जय श्री गुरुदेवा तुम नारायण स्वामी तुम ही इष्ट देवा स्वामी तुम ही हो मेरे देवा तुम ही लीला प्यारी गुरु महिमात प्यारी तुम देवन देवा ओम जय श्री गुरुदेवा सतगुरु देव की आर जो कोई जन गावे स्वामी प्रेम सहित गावे मैं दासन को दासा सतगुरु जी को दासा सुख संपत्ति पावे ओम जय श्री गुरुदेवा स्वामी जय श्री गुरुदेवा तुम्हारी शरण में आग गुरु जी की शरण में आग सदा करो सेवा ओम जय श्री गुरुदेवा श्री गुरु महाराज की जय परम पूजनीय गुरु माता की जय श्री सिद्ध दाता आश्रम की जय ओम महाराधिक्यम जलम शीतलेन कर्मण यद यद समी हसेद दोनों भय गुरु सन्न गुरु प्रजाभ्यो भयन्न पासुविया सुंतर्भवत ओम मंत्र पुष्पांजलि आरती ले जाइए पीछे आरती ले जाइए पीछे और सभी को आरती दे दो ओम प्रसाद को वितरण कर दो भैया ओम जजिये न जमय दंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य षण्णतीह नागम महिमानः सजन्त इद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहे तन्नो दन्ते प्रचोदयात् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहे तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहे तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहे तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओम् वृषभानुनन्दनायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहे तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् सेवन्ति कावकुलचम्पकपाट्वलाब्जै पूर्णादजाग्रकरवीलरिशालपुष्पै विल्वप्रभालतुलसीतलमञ्जरीभि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद भवानी च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहण परमेश्वर सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुभक्ति सुधार पुष्पांजलि अर्पण करें देव करो स्वीकार पुष्पांजलि अर्पण करें धर्म के जय धर्म का विनाश प्राणियों में सद्भाव हो विश्व का कल्याण हो।